हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है, छोटा सा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS। चार सेक्शन ही आते हैं बस, सेक्शन 56 से लेकर 59 तक, राइट। लास्ट 55 हमने किया था कैपिटल गेन के रिविजन में, अब 56 लेकर 59 तक सेक्शन आएंगे। सेक्शन 56 होता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ IFOS। इनफैक्ट 56 के दो पार्ट होते हैं, 56(1) और 56(2). 56(2) स्पेसिफिक है, कुछ ऐसी इनकम जो हमेशा IFOS में टैक्सेबल होंगी वो 56(2) में आती हैं। 56(1) एक जनरल चार्जिंग सेक्शन है, अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ना IFOS को ना मिनी, अब घबराइएगा मत, ठीक है, मैं IFOS को मिनी PGBP भी बोलता हूँ। PGBP के नाम से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, बट यू अंडरस्टैंड कि PGBP एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। थोड़ा वॉल्यूमनेस है, आई अंडरस्टैंड, बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उससे आपके कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं आपको, किस तरीके से बिजनेस रन होते हैं, किस तरीके से बिजनेस के ऊपर टैक्स वगैरह लगता है और किस तरीके से वो डिडक्शंस लेते हैं। एंड आई बिलीव कि आपने वो रिविजन लेक्चर्स भी फॉलो कर लिए होंगे PGBP के। ओके, तो मैं इसको मिनी PGBP क्यों बोलता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे इसके प्रोविजन्स ना बिल्कुल उसके जैसे ही हैं। अब बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, नहीं, ठीक है, वो चीज़ें पढ़ने वाले तो नहीं है, बट आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ रिलेटेड है। देखो, PGBP में सेक्शन 28 होता है, रिलेट करने की कोशिश करो, देखो काफ़ी आसान लगेगा आपको। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन होता है PGBP का, बताता है कि कौन कौन सी इनकम हमारी PGBP में टैक्सेबल होंगी। इसी तरीके से सिमिलर सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन है IFOS का, राइट। दूसरा आता है सेक्शन 30 से लेकर 37, देखो आपका साथ साथ PGBP रिवाइज हो रहा है। सेक्शन 30 से लेकर 37 होता है एक्सपेंसेस विच आर अलाउड फ्रॉम PGBP, राइट, डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम PGBP, वो यहाँ पर 57 है, डिडक्शंस फ्रॉम IFOS। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं PGBP में, तो उसके लिए एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पर 57 बनाया हुआ है। इतनी सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं, बट आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट उसी के नेचर का है। फिर हमारा एक सेक्शन आते हैं 40(a), 40(a)(2), हाँ सर कुछ कुछ याद आ रहा है, 40(a)(3), ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ये कौन से सेक्शंस होते हैं, एक्सपेंसेस विच आर, या 43(b), एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड। वो ऐसे सेक्शंस भी हैं PGBP में जब बोलते हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो अलाउड नहीं होंगे, जैसे 40(a) याद करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा याद आएगा आपको। 40(a) सर, अगर हम इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या अदर अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, अगर हम उसकी पेमेंट करते हैं आउटसाइड इंडिया बिना TDS डिडक्ट करे, तो हमारा डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है, याद आ रहा है। या फिर कुछ ऐसी पेमेंट होती हैं जो हम रेसिडेंट्स को करते हैं जिसके ऊपर TDS के प्रोविजंस लगते हैं और हमने उसका TDS डिडक्ट नहीं किया, तो 30% डिसअलाउ हो जाता है। यही 40(a) में कुछ ऐसी बातें थी, और भी कुछ पॉइंट्स थे, बट ये दो मेन पॉइंट्स थे। 40(a)(2) ये कहता था कि अगर हमने किसी रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर दी है, रिलेटिव्स को पेमेंट कर दी है, और वो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो जितनी एक्सेस पेमेंट है वो हम डिसअलाउ करते थे। 40(a)(3) कहता है कि अगर हमने किसी को 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा की पेमेंट कर दी है कैश में, बिरर चेक से, क्रॉस चेक से, ठीक है, सिंगल पार्टी को सिंगल पेमेंट कर दी है एक दिन में, तो हमारा वो 10,000 से ज़्यादा जितना भी अमाउंट हमने टोटल करा है, टोटल वो डिसअलाउ हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर बातें आपको यहाँ पर 58 में मिलेंगी, बिल्कुल ऐसी ही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, डिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड। फिर हम एक PGBP पे एक अच्छा सा सेक्शन पढ़ते हैं, 41 होता है डीम्ड PGBP इनकम। कुछ ऐसी एक्सपेंसेस थे जो हमारे बाद में रिकवर हो जाते हैं, जैसे बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, तो सेक्शन 41 बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर सेक्शन 59 है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने IFOS में पहले कभी क्लेम किए थे वो बाद में रिकवर हो जाते हैं, तो हमारी वो डीम्ड IFOS की इनकम बन जाती है। तो इसलिए इसको अगर काफ़ी आप देखेंगे ना, तो PGBP से आपको रिलेट करता हुआ मिलेगा, बट हाँ, बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है IFOS का और इम्पॉर्टेंट रहता है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हैं इस साल, तो आपके लिए 2024 एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, राइट, ओके। और सेक्शन, और एक और सिमिलैरिटी है सेक्शन 145 से, सेक्शन 145 होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग का। PGBP और IFOS के लिए बिल्कुल सेम बात है, वो बोलते हैं, वो सेक्शन दोनों इन हेड्स पर लगता है, PGBP पर भी लगता है और IFOS भी लगता है। वो कहता है कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हम अपनी इनकम को किस बेसिस पर टैक्सेबल करेंगे, रिसेट बेसिस पर या अक्रूवल मर्केंटाइल सिस्टम बेसिस पर। तो सेक्शन 145 इन दोनों हेड्स के लिए बोलता है, सिर्फ दो हेड्स के लिए वो बोलता है बात है, वो PGBP के लिए और IFOS के लिए, कि जिस तरीके से असेसी अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, उसी तरीके से हम उसके टैक्सेबिलिटी को, इनकम को एज्यूम करेंगे, एक्सपेंसेस को मानेंगे। तो अगर असेसी कैश बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहा है तो कैश बेसिस पे मानेंगे सारी चीज़ें, और अगर वो अक्रूवल बेसिस पे कर रहा है तो अक्रूवल बेसिस पे, यानी कि मर्केंटाइल बेसिस पर हम उसकी
और टैक्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तो सेम बातें दोनों हिट्स में सेम होती है सेक्शन 140 पे। चलिए अब हम बातें शुरू करते हैं सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन ऑफ आईएफएस। अब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा था कि सेक्शन 56 के ना एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, 56(1) और 56(2). 56(1) एक जनरल चार्जिंग सेक्शन है, दोनों ही चार्जिंग सेक्शन है, बट 56(1) एक जनरल चार्जिंग सेक्शन है। मैं इसको रेसिडरी भी बोल सकता हूँ। रेसिडरी का मतलब जो इनकम चारों हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई वो हम यहाँ पर टैक्सेबल कर सकते हैं। मैंने कहा कर सकते हैं, करेंगे नहीं, मतलब 100% ऐसा नहीं कि करेंगे ही करेंगे, कर सकते हैं अगर कुछ और दूसरे भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो ये एक रेसिडरी सेक्शन है। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पूरा का पूरा आईएफओएस ही रेसिडरी है। नहीं, पूरा आईएफओएस रेसिडरी नहीं है। देखो 56(2) जो होता है वो एक स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी इनकम लिखी है, और मेजरली मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हम लोग 60-70% बातें 56(2) की ही करते हैं, ठीक है। बाकी तो ये सब सेक्शन छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। 56(2) भी जल्दी हो जाता है, बट यही हमारा 60-70% जो आईएफओएस का पार्ट है, पोर्शन 56(2) ही है। तो 56(2) क्या होता है? स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन। स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसी इनकम जिसको हम हमेशा आईएफओएस की इनकम ही मानते हैं। उसको हम ये नहीं देखते कि पहले वो पहले सैलरी में चेक कीजिए, पहले दूसरे हेड्स में पीजीवीपी कैपिटल गेन वगैरह में चेक कीजिए, अगर वो टैक्सेबल नहीं हो पाई तो यहाँ पर लेके आइए। नहीं, 56(2) में जो चीज़ें मेंशन है ना, ये पूरी लिस्ट है, हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, तो ये सारी इनकम हमेशा ही हमेशा आईएफओएस की इनकम में बनती है, राइट। ओके, 56(1) क्या होता है? ये है रेसिडरी। ये कहता है कि अगर कोई भी इनकम अगर वो चार हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई, लेट्स से किसी भी एसएससी की किसी भी तरह की इनकम आ रही है, अगर वो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीवीपी और कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं हो पाई, करेक्ट। सेकंड चेक कीजिए कि क्या वो एग्जेम्प्ट भी तो नहीं है। अगर वो एग्जेम्प्ट है फिर तो छोड़ देंगे, यानी कि वो एग्जेम्प्ट भी नहीं है, इसका मतलब टैक्सेबल भी करना है बट चार हेड में हो नहीं पाई, तो फिर हम उसको आईएफओएस में टैक्सेबल कर देते हैं, प्रोवाइडेड वो रेवेन्यू नेचर की हो। 56(1) में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर की इनकम ही टैक्सेबल कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैंने कहा था कि अगर हमारी को चार हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई तो हम इस हेड में कर सकते हैं, यानी कि आपको दो चीजें और चेक करनी पड़ेंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एग्जेम्प्ट है। अगर वो सेक्शन 10 से एग्जेम्प्ट है फिर भी हम टैक्सेबल नहीं कर सकते, अगर वो कैपिटल नेचर की है तो फिर भी हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। हाँ, अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कैपिटल नेचर की इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। कैपिटल नेचर की इनकम 56(1) में टैक्सेबल नहीं होती है, 56(2) में, क्योंकि आप लोग जानते हैं इनकम टैक्स कैसा लॉ है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है या सिलेक्टिव लॉ है। ये हम रेगुलर क्लासेस में इसके बारे में बातें करते हैं कि इनकम टैक्स कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है या सिलेक्टिव लॉ है। तो इनफैक्ट दोनों ही है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है सिलेक्टिव भी है। जितनी भी रेवेन्यू इनकम होती है उसके लिए इनकम टैक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, यानी कि सभी तरह की रेवेन्यू इनकम को हम टैक्सेबल करते हैं। अगर वो चार हेड्स में मेंशन है तो वहां पर करेंगे, अगर वहां पर नहीं है तो हम आईएफओएस में कर देंगे, प्रोवाइडेड वो एग्जेम्प्ट ना हो, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू इनकम के लिए तो हमेशा ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बट कैपिटल रिसिट्स के लिए इनकम टैक्स लॉ कैसा है? सेलेक्टिव, यानी कि कैपिटल रिसिट्स को हम तभी टैक्सेबल करते हैं अगर इनकम टैक्स ने उसके ऊपर प्रोविजंस बना रखे हो, यानी कि इनकम टैक्स में कोई ना कोई सेक्शन हो जो कैपिटल रिसिट्स को टैक्सेबल करता है, तभी हम उसको टैक्सेबल करते हैं। तो कैपिटल रिसिट्स के लिए इनकम टैक्स कैसा है? सिलेक्टिव लॉ, राइट। ओके, आपको ये सारी बातें रिकॉल कर पा रहे होंगे। ओके, अब हम लोग बातें करते हैं 56(1) हो गया। 56(1) क्या होता है? चार हेड में आता ना हो, एग्जेम्प्ट ना हो और रेवेन्यू नेचर का है तो हम आईएफओएस की इनकम बना देते हैं। बट कुछ ऐसी इनकम होती है जिसको हमेशा हम स्पेसिफिक आईएफओएस की इनकम ही मानते हैं। फर्स्ट, इसमें डिविडेंड इनकम आता है और डिविडेंड में डीम्ड डिविडेंड भी आएगा। डीम डिविडेंड क्या होता है? सेक्शन 222 में हम पांच क्लॉजेस करते हैं, 222 ए बी सी डी ई। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डीम डिविडेंड क्या होता है, तो दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डिविडेंड इनकम को हमेशा हम कौन सी इनकम मानते हैं? आईएफओएस की। इनफैक्ट डीम डिविडेंड को भी आईएफओएस की इनकम मानेंगे, और इसमें से कुछ एक एक्सपेंस भी अलाउड होता है इंटरेस्ट का, वो हम सेक्शन 57 में बातें करेंगे। दूसरा, कैजुअल इनकम को हमेशा हम लोग आईएफओएस की इनकम ही मानते हैं, कैजुअल इनकम, और इसके ऊपर पता है आपको 30% का टैक्स भी लगता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये इनकम हमेशा हमारी कैजुअल इनकम पर, और इसमें से कोई डिडक्शंस भी नहीं मिलती। इसकी बातें भी मैं अभी करूंगा जब सेक्शन 57 बताऊंगा डिडक्शंस अलाउड, तो कैजुअल इनकम में से बोल दूंगा कि उससे तो कोई डिडक्शन आप देंगे नहीं, राइट। और 30% का टैक्स लगता है, और इसमें इस बार एक और सेक्शन हमारा इंसर्ट हुआ है जो कौन सा ऑनलाइन गेमिंग का, उसके ऊपर भी 30% टैक्स लगेगा। उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कैसे उस इनकम को हम टैक्सेबल करते हैं जो आजकल आप
या कुछ लोग ऑनलाइन गेमिंग, कुछ क्या बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं, पैसे गंवाते हैं। तो अगर वो उन्होंने पैसे कमाए तो हम इनकम टैक्स लगाने वाले हैं उसके ऊपर। थर्ड पॉइंट होता है 56(2), शेयर्स इशू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट भी आई है इस बार। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनीज। तो मेनली हम जो इसकी डिटेल में बातें करते हैं रेगुलर क्लासेस में, ये एक तरीका है ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का। तो लोग इस तरीके अपना रहे थे, तो यहाँ पर उनको पकड़ने के लिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे डाल दिया गया है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लगेगा, राइट, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज होती है उसके ऊपर नहीं लगेगा। क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है जो लिस्टेड कंपनीज नहीं होती, अनलिस्टेड कंपनीज, राइट। तो अगर वो लोग अपने शेयर्स इशू करते हैं, अभी रिविजन के लिए आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, वो लोग अपने अगर शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स अपने इशू करते हैं फेस वैल्यू से ज्यादा का, यानी कि प्रीमियम का, राइट, और वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से, जितना उनकी फेयर मार्केट वैल्यू है, अगर उससे ज्यादा से पर इशू करेंगे तो हम उसी कंपनी की इनकम बना देंगे जब भी वो शेयर्स इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, राइट, 10 रुपीज है और हम इसको इशू कर रहे हैं 10 रुपीज से ज्यादा का, मतलब प्रीमियम पर। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम पर शेयर इशू होने चाहिए। लेट से इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, इसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज पर शेयर चल रही है और हम इसको इशू कर रहे हैं, हम लोग इशू कर रहे हैं लेट से कितने में, 200 में मान लेते हैं, 200 रुपीज में इशू कर रहे हैं, करेक्ट। तो इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा का जब आप इशू करते हैं, और क्योंकि प्रीमियम पर हुआ है, राइट, 10 रुपीज का शेयर है, 200 रुपये पर आ रहा है, 190 रुपीज की प्रीमियम आ रही है, ठीक है, तो जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है वो हम इनकम बना देंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। रिविजन के लिए इतना ही है, बाकी तो हम इसमें डिटेल में हमने बातें की थी अपने रेगुलर लेक्चर में, आपको रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। तो आई एफ एस ऑफ सच कंपनी इशू प्राइस, जितने आप इशू कर रहे हैं माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। तो इशू, जैसे मेरे एग्जाम्पल में आप 200 रुपीज का इसको इशू कर रहे थे और फेयर मार्केट वैल्यू थी इसकी 50 रुपीज, तो 150 पर शेयर हमारी इनकम बन जाएगी। किसकी? उस डोमेस्टिक कंपनी की, वो सॉरी अनलिस्टेड कंपनी की, जो वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है उसकी वो इनकम बन जाएगी 150 रुपीज, और जितने भी नंबर ऑफ शेयर उसने इशू करे हैं 150 पर शेयर के हिसाब से इंटू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतनी बातें आपको एग्जाम्स में के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। इसमें छोटी सी अमेंडमेंट क्या आई है, ठीक है, देखो ये एक तरीका था, एक व्हीकल था, लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे इस तरीके से। तो पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि अगर आप रेसिडेंट से पैसा लेंगे तभी आप इसमें इनकम बनाइएगा, बट यहाँ पर इनकम टैक्स ने देखा कि अब नॉन रेसिडेंट से भी लोग पैसा ले रहे हैं इस तरीके से और इसको अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस साल एक चेंज आया है कि यहां पर अगर आप पैसे एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आप रेसिडेंट से करें चाहे आप नॉन रेसिडेंट से करें, दोनों लोग ही यहां पर कवर्ड हो जाते हैं। तो एक चेंज आया है, पर्सन फ्रॉम होम कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, कंसिडरेशन इज रिसीव्ड मतलब जिसको आप शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके वो शेयर खरीद रहा है, तो जो वो आपके शेयर खरीद रहा है चाहे आज वो रेसिडेंट हो या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो, दोनों ही केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल है। तो ये नॉन रेसिडेंट वाली बातें इस बार अमेंडमेंट ये आई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बाकी तो पुरानी ही बातें थी। और ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा? सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज के ऊपर, यानी कि आप प्राइवेट कंपनीज बोल सकते हैं या फिर अच्छा रहेगा अनलिस्टेड कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रोविजन आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहा हो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, इशू प्राइस माइनस फेयर, जितनी भी सिंपल ऐसा समझ लीजिएगा मार्केट वैल्यू से जितना भी ज़्यादा आ रहा है ना उतना आपको इनकम बनानी है उस कंपनी की, बट याद रखिएगा प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं वो शेयर्स, तभी आप करिएगा ऐसा, ओके। ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फाइनल लेवल पर जब आप आएंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि लिखा भी आपके स्टडी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बातें फाइनल लेवल पर डिस्कस होती हैं। बट हाँ, इसके एक एक्सेप्शन होती हैं, अगर वेंचर कैपिटल हमारे ये शेयर्स खरीद रहे हैं अगर ज़्यादा वैल्यू के लिए भी, तो फिर हम इसको टैक्सेबल नहीं करते। वेंचर कैपिटल वगैरह कौन होते हैं, अब ये बातें हम फाइनल लेवल पर सीखेंगे, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं तो अभी मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, या फिर कुछ एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं वो लोग अपने शेयर्स ज़्यादा पर इशू कर सकते हैं विच आर नोटिफाइड बाय, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड होने चाहिए। दिस इज, ये एक बार सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है कि ये बातें डिस्कस होंगी डिटेल में एट फाइनल लेवल, ओके। अब ये बातें हमने कैपिटल गेन में भी डिस्कस की थी, क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी असेसी का अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई कैपिटल असेट कंपल्सरी एक्वायर हो जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलती है, आपको पता है उस केस में कैपिटल गेन आता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये सीखा था।
और अगर उसको वो कंपनसेशन लेट मिलती है, अगर वो कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी वगैरह ने ये एक्वायर कर लिया और वो कंपनसेशन लेट थी, और उस लेट की वजह से हमें इंटरेस्ट मिला, लेट से हमें 3 लाख रुपीज का इंटरेस्ट मिला, ये अक्सर आ जाता है, ये प्लीज याद रखिएगा, मैंने आपको कैपिटल गेन में भी बताया था। तो 3 लाख का जो इंटरेस्ट मिला, क्या ये भी कैपिटल गेन होता है? द आंसर इज नो। ये तो किसकी वजह से आ रहा है? डिलेड पेमेंट की वजह से ये पैसा आया है, तो ये हमारी IFOS की इनकम बनती है। बट सेक्शन 57 जब हम पढ़ेंगे डिडक्शंस में, तो मैं बताऊंगा कि इसमें से 50% फ्लैट हमारा यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, वो डिडक्शन अलाउड होती है। तो 3 लाख का जब इंटरेस्ट मिलता है, तो इसमें से 50% माइनस करने के बाद 1,50,000 ही इनकम बनाइएगा, ठीक है? 50% फ्लैट डिडक्शन मिलती है इसमें से, सेक्शन 57 वो देता है, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 57 डिडक्शन अलाउड का, वहां पर हम बातें करेंगे। तो प्लीज अभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में अक्सर आप आते हुए देखते हैं ऐसी चीजें। ओके, एडवांस मनी फोरफीटेड, इसकी भी बातें हमने कैपिटल गेन में की थी, ठीक है? अगर देखिए, एडवांस मनी फोरफीटेड अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले हुआ है, फिर तो हम उसको IFRS की इनकम नहीं बनाते थे, राइट? फिर तो हमारा कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट होता था, सेक्शन 51 अगर हमने पढ़ा था एडवांस मनी फोरफीटेड का। बट अगर आज, ठीक है, मेजरली आपको एग्जाम में अब जो आएगा 1/4/2014 के बाद का ही मेजरली आएगा, ठीक है? ऐसे नहीं पहले का भी आ सकता है, बट पहले का अगर एडवांस फोरफीटेड होता है, उसको IFRS की इनकम नहीं बनाते। उसका क्या करते थे हम लोग, हम जब भी वो असेट बेचते थे तो उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस होता था, वो तो पुरानी बात है। बट अगर 1/4/2014 के बाद, उस दिन या उसके बाद का जो भी एडवांस मनी फोरफीटेड है, प्लीज उसको आप IFRS की इनकम उसी साल बना दीजिएगा जिस साल वो पैसा फोरफीट किया गया था। तो एडवांस मनी फोरफीटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014 उसी साल टैक्सेबल हो जाता है, IFRS की इनकम बन जाती है। ओके, गिफ्ट्स की बातें करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं गिफ्ट्स। गिफ्ट 3 तरीके से मिल सकते हैं, या तो आपको मॉनेटरी फॉर्म में गिफ्ट्स मिले, मॉनेटरी फॉर्म का मतलब मनी फॉर्म में, मनी का मतलब होता है मनी, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इस तरह के अगर आपको गिफ्ट्स मिल जाते हैं तो वो टैक्सेबल होते हैं। अगर गिफ्ट्स मिलते हैं मूवेबल गिफ्ट्स, तो मूवेबल गिफ्ट्स भी टैक्सेबल हो सकते हैं, या फिर मतलब इन काइंड में, तो इन काइंड में मूवेबल भी हो सकते हैं, इमूवेबल भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे गिफ्ट्स मिलते हैं, सबसे पहले तो अगर हमें गिफ्ट्स मिल रहे हैं एम्प्लॉयर से, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सैलरी इनकम बन जाती है, आपको पता है। कैश गिफ्ट पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, इन काइंड गिफ्ट अगर वो 5,000 रुपये से ज्यादा है फिर टैक्सेबल करते हैं, 5,000 तक पूरे साल का एग्रीगेट आता है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो फिर हटा देते हैं, वो सैलरी की बात है। यानी कि एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिले तो हमेशा सैलरी रखिएगा। दूसरा होता है, हमने PGP में पढ़ते हैं, अगर हमारे क्लाइंट से या कस्टमर से या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर बिजनेस, अगर या प्रोफेशन करते समय अगर हमें गिफ्ट्स मिलते हैं अपने क्लाइंट्स, कस्टमर या सप्लायर से, वो हमारी PGBP की इनकम होती है। बट अगर कोई हमारा गिफ्ट एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है, क्लाइंट्स कस्टमर से नहीं मिल रहा है, बाकी लोगों से मिल रहा है, तो वो हमारी IFRS की इनकम होती है। बट हाँ, रिलेटिव्स वगैरह से मिल जाता है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो अब अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो अदर से जब गिफ्ट मिलता है तो IFRS की इनकम बन जाती है, राइट? अब हम लोग बातें करते हैं, ये गिफ्ट 3 फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो मनी की फॉर्म में, या फिर इन काइंड में, कैसा हो सकता है, मूवेबल और इमूवेबल असेट्स के फॉर्म में मिल सकते हैं। मूवेबल में याद रखिएगा, अगर वो मूवेबल में गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको, आप तभी टैक्सेबल कीजिएगा अगर वो आपके लिए कैपिटल असेट्स है, अगर वो आपके लिए यानी कि रिसीवर के लिए अगर वो कैपिटल असेट्स है, राइट? कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन हम लोगों ने 214 में हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल गेन के चैप्टर में, ठीक है? मैं आपको याद करा दूं, कैपिटल असेट्स में ऑल असेट्स आर कैपिटल असेट्स एक्सेप्ट पर्सनल मूवेबल असेट्स, राइट? और पर्सनल मूवेबल असेट्स में भी क्या क्या लेते हैं हम लोग, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, ठीक है? वो सब याद याद आती है। तो यानी कि अगर आज हमें मूवेबल गिफ्ट्स मिलते हैं, अगर वो कैपिटल असेट्स की फॉर्म में है तभी हम उसको टैक्सेबल करेंगे, अगर वो कैपिटल असेट्स नहीं है तो हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो आपको एग्जाम में किस तरीके से आता है, फॉर एग्जाम्पल एक असेसी है, मान लेते हैं मैं हूँ एक असेसी, मैं इंडिविजुअल हूँ, और मुझे मेरा दोस्त गिफ्ट दे देता है कार, ठीक है? कार गिफ्ट दे देता है, टैक्सेबल मत करिएगा। वहां पर लिखा रहेगा कि रजत के फ्रेंड ने उसको 10 लाख की कार गिफ्ट कर दी, टैक्सेबल मत करना, क्योंकि मेरे लिए कार कैपिटल असेट नहीं है। अगर ये लिखा रहेगा कि मेरे दोस्त ने मुझे गोल्ड चेन गिफ्ट कर दी है, ठीक है, गोल्ड गिफ्ट कर दिया है, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स गिफ्ट कर दिए हैं, वो टैक्सेबल करिएगा। क्लियर है, ठीक है? तो हमेशा रिसीवर के लिए वो कैपिटल असेट्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग शेयर्स वगैरह गिफ्ट कर दे वो भी आप टैक्सेबल करते हैं, क्योंकि आपको पता है शेयर, सिक्योरिटीज भी कैपिटल असेट्स होते हैं, और वर्चुअल डिजिटल असेट्स भी, ये भी याद रखिएगा, वर्चुअल डिजिटल असेट्स, आज मुझे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस वगैरह भी गिफ्ट में मिल जाए तो उसको भी हम टैक्सेबल करते हैं, करेक्ट? ओके, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि मूवेबल असेट्स को तभी आप मानिएगा अगर वो कैपिटल असेट्स होंगे रिसीवर के लिए, ठीक है? इफ गिफ्ट्स रिसीव्ड व्हिच आर नॉट कैपिटल असेट्स इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, उसको टैक्सेबल मत करिएगा। जैसे कि आपको कार मिल जाए, अगर मुझे कार मिल जाए
फर्नीचर मिल जाए, टीवी मिल जाए, वॉच मिल जाए, तो इन सबको मैं टैक्सेबल नहीं करूंगा। अब बातें करते हैं अगर गिफ्ट्स मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। अगर कैश गिफ्ट्स मिल जाते हैं, कैश गिफ्ट का मतलब मॉनेटरी फॉर्म में गिफ्ट चेक हो सकते हैं, वो डिमांड ड्राफ्ट हो सकते हैं, एफडी हो सकती है, वो अगर मुझे गिफ्ट मिल जाए तो हम इसको टैक्सेबल कर देते हैं। अगर इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपीज से एक्सेस में आ रहा है, ठीक है, 50,000 से जितना भी एक्सेस में आ जाता है फिर हम पूरा टैक्सेबल कर देते हैं। जैसे कि अगर मुझे 51,000 मिले हैं तो कितना टैक्सेबल करना है, 1,000 या पूरा 51? पूरा 51 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कैश गिफ्ट्स एक्सीड्स रुपीज 50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज IFOS। और कैश गिफ्ट में मैं बातें कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, चेक, DD, FDs वगैरह, ये सब कैश गिफ्ट्स में ही बातें करते हैं। हाँ, रिलेटिव्स वगैरह से गिफ्ट्स मिल जाते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि कब कब गिफ्ट्स हम टैक्सेबल नहीं करते हैं, बट अभी नॉर्मली कैश गिफ्ट्स पूरा टैक्सेबल करेगा इन एग्रीगेट ऑफ 50,000। दूसरा, अगर मूवेबल गिफ्ट्स मिल जाते हैं, अगर मूवेबल गिफ्ट्स मिल जाते हैं, आपको पता है कि एक्चुअली ये गिफ्ट्स वगैरह कुछ नहीं होते, अगेन ये ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करने का तरीका है, तो आपको कोई गिफ्ट ऐसे ही नहीं दे देता, बट फिर भी, तो इनकेस अगर आपको गिफ्ट मिल जाते हैं, और रिमेंबर मैंने यहाँ पर दोबारा से लिखा हुआ है कि वो रिसीवर के लिए कैपिटल असेट्स होने चाहिए तभी टैक्सेबल कीजिएगा। अगर वो गिफ्ट्स हैं मूवेबल गिफ्ट्स हैं, ठीक है, लाइक ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो गया, ठीक है, सिक्योर शेयर्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, वर्चुअल डिजिटल असेट्स हो गए, तो अगर वो गिफ्ट्स आपको विदाउट कंसिडरेशन मिलते हैं तो इसको हम दो पार्ट्स बनाते हैं। जितने भी हमें गिफ्ट्स मिले हैं उसके दो पार्ट करिएगा मूवेबल वाले गिफ्ट्स के, ठीक है। कैश गिफ्ट को, मूवेबल को, इमूवेबल को, इन सबका एग्रीगेट नहीं करना है, इन तीनों को अलग अलग रखना है। कैश को अलग रखिए, मूवेबल गिफ्ट्स को अलग रखिए, इमूवेबल गिफ्ट्स को अलग रखिए। पहले कैश गिफ्ट्स का टोटल करके देखिएगा, जितना भी गिफ्ट्स मिले क्या उसका टोटल 50,000 रुपीज से ज्यादा आता है, अगर आता है तो टैक्सेबल कर दीजिएगा, नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा, फिर टैक्सेबल, यानी कि टोटल अगर 45, 46, 49, 50 तक भी आ जाए तो छोड़ दीजिए, 50 से ज्यादा ऊपर हो जाएगा पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा। मूवेबल गिफ्ट, फिर सेकंड अपना बॉक्स है हमारा मूवेबल गिफ्ट्स का। मूवेबल गिफ्ट्स में भी दो पार्ट करना है आपको, कौन कौन से मूवेबल गिफ्ट्स ऐसे हैं, मूवेबल गिफ्ट्स कौन से हैं जो मेरे लिए कैपिटल असेट्स होने चाहिए, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, ठीक है, इस तरह की बातें, शेयर्स, सिक्योरिटीज ऐसे। तो जितने भी मूवेबल गिफ्ट्स मिलते हैं उसके फर्दर आप दो पार्ट करेंगे, कौन कौन से, जितने जितने गिफ्ट्स आपको विदाउट कंसिडरेशन मिले उसको अलग रखिएगा, या फिर अगर आपको विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिले उसको अलग रखिएगा, यानी कि आपने थोड़ा सस्ते में खरीदा, ठीक है, इसको इसका मतलब होता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब वो आपने गिफ्ट्स खरीदे हैं, ठीक है, एक्चुअली वो गिफ्ट्स नहीं थे, वो चीज़ आपने खरीदी बट बहुत सस्ते में, जैसे कि किसी ने अपनी ज्वेलरी आपको बेच दी है, ठीक है, आपने उसके दिए 1,000 रुपीज़ बट वो ज्वेलरी थी फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 की, तो आपको 99,000 का फायदा हो गया। यानी कि जिसके लिए आपने कुछ कंसिडरेशन दिया उसको अलग रखिएगा, इसके लिए आपने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया उसको अलग रखिएगा, क्लियर है। तो जितने भी मूवेबल गिफ्ट्स हैं इसका एक अलग बॉक्स बनेगा, बॉक्स का मतलब बॉक्स बनाना नहीं है, अपने दिमाग पे रखिएगा कि इसको सेपरेट लेना है आपको, विदाउट कंसिडरेशन को अलग रखना है, विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को अलग रखना है। तो जितने भी गिफ्ट्स आपको विदाउट कंसिडरेशन मिले हैं उसका एग्रीगेट करिएगा, उसका एग्रीगेट करिएगा, ठीक है, जिसने भी दिए आपको, फ्रेंड वन, फ्रेंड टू, फ्रेंड थ्री, इन सब ने जितने लोगों ने आपको गिफ्ट दिए हैं, ठीक है, उसका टोटल एग्रीगेट करिएगा, और अगर वो 50,000 से ऊपर आ जाए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो टैक्सेबल कर दीजिएगा। तो अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, मूवेबल गिफ्ट्स की हम मार्केट वैल्यू देखते हैं, इमूवेबल गिफ्ट्स की हम स्टैंप वैल्यू देखते हैं, राइट, याद आ गया आपको। तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट्स एक्सीड्स 50,000, उसका एग्रीगेट 50,000 से ऊपर जाता है तब टैक्सेबल करिएगा। दूसरा, अब जो मूवेबल गिफ्ट्स हैं जिसकी आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दे दी, यानी कि कुल मिलाकर आपने सस्ते में खरीदे हैं, ठीक है, तो अक्सर ये इस चीज के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शेयर्स बेचे, ए ने बी को शेयर्स बेचे, ठीक है, और ये कुछ वैल्यू बताता है कि इतने अमाउंट पे ट्रांजेक्शन हुई है, और आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कंप्यूट द इनकम ऑफ द पार्टीज, कंप्यूट द इनकम ऑफ द पार्टीज, यानी कि आपको इनकम ए की और बी की भी निकालनी है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ए ने बी को शेयर्स बेचे तो ए के लिए कैपिटल गेन तो निकाल देते हैं, बट बी के हाथों में कुछ निकाल नहीं पाते हैं, तो आपको बी के लिए चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने वो सस्ते में खरीदे हैं फेयर मार्केट वैल्यू से, तो ए के लिए तो कैपिटल गेन निकलेगा निकलेगा, वो तो सब लोग निकाल ही देते हैं, बट बी के लिए भी चेक कर लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वो सस्ते में खरीदे हैं चीज़ें, करेक्ट, तो वो यहाँ पर आ जाता है, तो उसके लिए फिर वो IFOS की इनकम बन जाती है अगर उसने सस्ते खरीदे हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी गिफ्ट्स हमें मिले हैं जिसके लिए हमने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया उसका एग्रीगेट करिएगा, ठीक है, जितनी भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है सारे गिफ्ट्स के एग्रीगेट करिएगा, फिर ये देखिएगा कि जितना आपने कंसिडरेशन दी है जिसके लिए जितना भी अमाउंट दिया उसका एग्रीगेट कीजिएगा और दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, यानी कि आपको क्या करना है,
जितने भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में गिफ्ट मिले हैं उन सबकी एग्रीगेट करना है, सबकी मार्केट वैल्यू का। जितना भी आपने कंसिडरेशन पे करी है सब पूरा कंसिडरेशन का एग्रीगेट कीजिए और इन दोनों का डिफरेंस देखिए कि फेयर मार्केट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले उन जिनके लिए आपने कुछ ना कुछ पैसे दिए थे, लेट्स से जितने भी गिफ्ट मिले उसकी फेयर मार्केट वैल्यू किसी की 20,000 थी, किसी की 40,000 थी, किसी की 50,000 थी, 1,00,000 थी, 2,00,000 थी, तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू पता चला कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले इस साल और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी लेट्स से 6,00,000 टोटल। फिर ये देखिए कि मैंने हर एक गिफ्ट के लिए कितना कितना पैसा दिया, किसी के लिए 10,000 दिया, किसी के लिए 15,000 दिया, कम कम दिया था आपने, राइट, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन था। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा फिर तो वो गिफ्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने सस्ते में परचेज किए वो कैपिटल सेट्स होने चाहिए, याद रखिएगा। हाँ जी, तो किसी के लिए आपने 10,000 पैसे दिए, किसी के लिए 15,000, किसी के लिए 20,000, वो एग्रीगेट करिएगा तो पता चला कि आपने कुल मिलाकर 1,50,000 रुपीज दिए इन सभी गिफ्ट्स के। तो 6,00,000 माइनस 1,50,000 कितना आ गया, आपको फायदा हो गया कितने का, 4.5 लाख रुपीज का। तो 4.5 लाख आपकी इनकम हो जाएगी। अगर ये जो डिफरेंस है अगर ये 50,000 से एक्सीड हो जाता है तो फिर उसको टैक्सेबल करिएगा, अगर ये डिफरेंस 50,000 या 50,000 से कम रहता है तो फिर छोड़ दीजिएगा। हम 50,000 तक तो लिमिट देते हैं कि उसको तो हम छोड़ देंगे, यानी कि अगर एग्रीगेट जितने भी गिफ्ट मिले आपको फॉर एग्जांपल वो 6,00,000 रुपीस के होते और आपने इसकी जो कंसिडरेशन पे की है लेट्स से वो 5.7 लाख होती, तो 6,00,000 माइनस 5.7 लाख सर ये तो 30,000 आया, बस छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। 50,000 भी आया तो छोड़ दीजिए, 50,000 से जैसे ज़्यादा आएगा फिर पूरा का पूरा जो डिफरेंस है जितना भी आपको फायदा हुआ उसको टैक्सेबल कर दीजिए, राइट, ओके। थर्ड आता है इमूवेबल गिफ्ट्स। जो इमूवेबल गिफ्ट्स होते हैं अगेन उसके दो पार्ट कीजिएगा। इमूवेबल गिफ्ट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग और बहुत ये जो चीज़ें आपको मिलती हैं, इसकी हमेशा स्टैम्प वैल्यू देखना, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं देखनी हमें, इसकी स्टैम्प वैल्यू देखनी है, तो इसको भी अलग अलग कीजिएगा। अब इनका यहाँ पर एग्रीगेट नहीं करते, देखिए जितना भी कैश मिला हमें पूरे साल उस सबका एग्रीगेट करते हैं। मूवेबल गिफ्ट्स में मैंने एग्रीगेट वर्ड यूज़ किया, बट इमूवेबल में याद रखिए हम एग्रीगेट नहीं करते, हम हर इमूवेबल असेट को, हर लैंड या बिल्डिंग को अलग अलग देखेंगे, अलग अलग देखना है आपको, ठीक है। तो इसके भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से ऐसे, फॉर एग्जांपल मुझे ड्यूरिंग द ईयर 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी में फायदा हुआ था, तो मुझे 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली थी गिफ्ट्स में, मैंने उसके कोई पैसे नहीं दिए, तो उसको अलग अलग देखिएगा। तो उसको मैं यहाँ पर रखूंगा, विदाउट कंसिडरेशन वाले अलग रखूंगा, ठीक है। जिसके लिए मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदी थी, फॉर एग्जाम्पल वो 70,00,000 रुपीज की प्रॉपर्टी थी और मैंने उसको 50,00,000 में खरीदा था, यानी कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, स्टैम्प वैल्यू से कम में खरीदा था, तो मैं उसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को अलग रखूंगा। क्लियर हो गया इतनी बातें, ओके। विदाउट कंसिडरेशन वाले को हर प्रॉपर्टी को अलग अलग देखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीगेट नहीं करना है, अलग अलग देखना है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए हर प्रॉपर्टी पर चेक कीजिए जो हमें विदाउट कंसिडरेशन मिली है, क्या उसकी स्टैम्प वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। अगर उसकी स्टैम्प वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उसको पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी 50,000 तो देखो बहुत कम होती है ना स्टैम्प वैल्यू, कोई प्रॉपर्टी मिली 50,000 से ऊपर ही होगी प्रैक्टिकली तो, बट फिर भी थ्योरेटिकली भी पढ़ लीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉ ये कहता है कि अगर इसकी वैल्यू इंडिविजुअल असेट की 50,000 से ज्यादा है तब उसको टैक्सेबल कर दीजिएगा। ये कौन से वाले इमूवेबल प्रॉपर्टी है, विदाउट कंसिडरेशन वाली, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 प्रॉपर्टी मिली, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू थी फॉर एग्जाम्पल 95,00,000, सर 95,00,000 थी विदाउट कंसिडरेशन, 50,000 से ज्यादा है, 95,00,000 पूरा का पूरा मेरी IFOS की इनकम बन जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू थी 49,000, या अगर 50,000 भी थी उसको मैं छोड़ दूंगा, तो दोनों को एग्रीगेट मत करना, नाइन सर वो 95,00,000 का था प्लस 50,000 का, दोनों एग्रीगेट मत करिएगा, अलग अलग देखिएगा। क्लियर हो गया। अब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में चेक कीजिएगा कि क्या आपको जितना डिफरेंस पड़ा है क्या वो 50,000 से ज्यादा का आपको फायदा हो रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो टैक्सेबल कर दीजिएगा। तो स्टैम्प वैल्यू माइनस कंसिडरेशन प्राइस, ठीक है, स्टैम्प वैल्यू माइनस कंसिडरेशन प्राइस, फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 60,00,000 रुपीस की, 60,00,000 रुपीस की प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, बट उसकी स्टैम्प वैल्यू थी, उसकी स्टैम्प वैल्यू थी 70,00,000 रुपीस, उसकी स्टैम्प वैल्यू 70,00,000 रुपीस थी, तो प्लीज़ बताइए डिफरेंस कितना आया, सर 10,00,000 का फायदा हो गया आपको, तो ये मेरी IFRS इनकम बन जाएगी। बट यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर आपको 50,000 देख रहे हैं साथ साथ में 10% आपको देखना है, 10% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारी स्टैम्प वैल्यू अगर 10% से ज़्यादा है तो फिर कोई बात नहीं छोड़ते, बिल्कुल वैसी बात है जैसे हमने कैपिटल गेन में पढ़ते हैं ना 50C में और 43CA में, PGBP में भी ऐसी बातें होती हैं, सेम बातें यहाँ पर भी होती हैं। तो आप क्या देखेंगे, अगर उसका डिफरेंस एक्सीड कर रहा है कितने से, 50,000 से या 10% ऑफ द कंसिडरेशन प्राइस, ठीक है, विच एवर इज हायर देख लीजिएगा, जितना भी अगर आपका उससे भी ज़्यादा अगर एक्सीड कर रहा है तो आप टैक्सेबल कर दीजिएगा। अगर हमारा डिफरेंस इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है फिर टैक्सेबल मत करिए। जैसे फॉर एग्जांपल
लेट से आपको एक प्रॉपर्टी मिली, उसकी स्टैम्प वैल्यू थी 80 लाख रुपीज की, ठीक है, उसकी स्टैम्प वैल्यू 80 लाख रुपीज की थी, बट आपने जो खरीदा था वो खरीदा था आपने 78 लाख रुपीज में। आपको लगेगा 2 लाख का फायदा है सर, 2 लाख का फायदा हो गया डिफरेंस, क्योंकि आपने 78 लाख पैसे दिए और वहां से जो प्रॉपर्टी है उसकी स्टैम्प वैल्यू 80 लाख रुपीज की थी, तो आपको 2 लाख का फायदा हो गया। तो स्टूडेंट्स मुझसे क्या बोलेंगे, सर 50,000 से ज्यादा का फायदा है तो इसका मतलब आप 2 लाख टैक्सेबल कर दीजिए, पूरे 50,000 से ऊपर है तो 2 लाख टैक्सेबल कर दीजिए। बट प्लीज आपको 50,000 के साथ साथ ये भी देखना है कि जो डिफरेंस है कहीं 10% से ज्यादा है तब टैक्सेबल करिएगा, 10% ज्यादा नहीं है तो टैक्सेबल मत करना। तो जितने भी आपने कंसिडरेशन पे किए है उसका एक बार 10% निकाल कर देख लीजिएगा। तो आपको क्या देखना है कि इसको टैक्सेबल करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है, एक तो 50,000 रुपीज और 10% ऑफ दिस प्राइस, 10% ऑफ दिस प्राइस 7,80,000 आ जाएगा, 78 लाख का 10% 7,80,000 आएगा, विच एवर इज हायर 7,80,000, यानी कि इतना डिफरेंस तक अलाउड हो जाएगा, इतना डिफरेंस तक अलाउड है। तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस 2 लाख का आ रहा था, छोड़ दीजिएगा। अगर 7,80,000 से ज्यादा का डिफरेंस आता फिर हम टैक्सेबल कर देते, मान लेते डिफरेंस आता मेरा 7,90,000 का और मैक्सिमम अलाउड कितना था 780, तो फिर हम कितना टैक्सेबल करते हैं, फिर तो 790 पूरा कर देते हैं। करेक्ट, समझ में आ गया। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात बचती है, स्टैम्प वैल्यू कब किस डेट की लेनी है। तो स्टैम्प वैल्यू जनरली हम लोग रजिस्ट्रेशन डेट की लेते हैं, जिस दिन हमारा प्रॉपर्टी ली है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया है। बट कभी कभी ये होता है कि एसएससी ये क्लेम करता है कि नहीं सर मैं तो जेन्युइन एसएससी हूं, मैंने कोई यहां पर सस्ता नहीं खरीदा था, मैंने मेरे पास तो एक पुराना सर ये तो मैंने पुराना एग्रीमेंट था मेरे पास, तो मैंने ये पहले से ही एग्रीमेंट करा हुआ था, वो तो अब जब मैं इसकी रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि स्टैम्प वैल्यू ज्यादा है, बट मेरा तो पुराना एग्रीमेंट था। हम उसको बोलेंगे बॉस प्रूफ कर दे तू, ठीक है, हम उसको बोल देंगे भाई प्रूफ कर दो। वो कैसे प्रूफ करेगा, उसने कुछ ना कुछ पेमेंट अगर एग्रीमेंट की डेट पर की हुई है बाय वे ऑफ बैंकिंग चैनल, बाय वे ऑफ बैंकिंग चैनल यानी कि अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या फिर NEFT RTGS, अगर उसने वैसे पेमेंट करी हुई है तब हम बोल देते हैं ठीक है भाई फिर हम आपकी स्टैम्प वैल्यू एग्रीमेंट डेट की लेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट की नहीं लेंगे। राइट, जेन्युइन इश्यूज है तो कभी कभी, तो जनरली हम लोग स्टैम्प वैल्यू लेते हैं वो रजिस्ट्रेशन डेट की देते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है। बट अगर क्वेश्चन ये कहता है कि नहीं पहले से एग्रीमेंट था, बट उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने उस समय कुछ ना कुछ पैसे, या तो कंसिडरेशन का पूरा कंसिडरेशन या पार्शियल कंसिडरेशन, अरे कुछ भी 20,000, 30,000, 10,000, 1 लाख कुछ तो दिए होंगे, किस तरीके से, अकाउंट पे चेक से, ठीक है, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से, बैंकिंग चैनल के थ्रू। वो बोलेगा सर कैश में दिए थे, कैश में दिए थे तो नहीं मानेंगे हम लोग, कैश या बिना चेक वगैरह अलाउड नहीं होते। राइट, तो यहाँ पर हम लोग स्टैम्प वैल्यू जनरली रजिस्ट्रेशन डेट की, बट कभी कभी एग्रीमेंट डेट की भी देखते हैं अगर पहले से एग्रीमेंट है और वो प्रूव कर सके बाय इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। दूसरा, कभी कभी असेसी स्टैम्प वैल्यू को चैलेंज भी कर देता है, वो कहता है नहीं नहीं सर ये जो स्टैम्प वैल्यू है एक्चुअली सही नहीं है, गलत वैल्यू है ये, तो वो चैलेंज कर देता है इसको। तो यहाँ पर वो AO से रिक्वेस्ट करता है सर इसकी वैल्यूएशन करा लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर से। तो अगर वो इसको असेसी चैलेंज करता है तो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ली जाती है। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प वैल्यू से कम की वैल्यू लाता है फिर हम वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। राइट, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बिल्कुल वैसी बात है जैसे हमने कैपिटल गेन में की थी, सेम है, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर इससे ज्यादा की वैल्यू लेकर आए स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा की, तो हम वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलते रहते हैं बॉस रहने दीजिए आप, हमारी स्टैम्प वैल्यू जो थी वही ठीक थी, आप छोड़ दीजिए वाली वैल्यू को। राइट, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर हमारे कंसिडरेशन प्राइस से भी कम की वैल्यू ले आता है, ऐसा होगा नहीं बट फिर भी अगर वो ले आता है तो कंसिडरेशन वैल्यू से तो हम नीचे कभी जाएंगे नहीं। राइट, तो वैल्यूएशन ऑफिसर अगर कम वैल्यू लाता है स्टैम्प वैल्यू से तो हम वैल्यूएशन ऑफिसर वाली वैल्यू ले लेते हैं, अगर ज़्यादा स्टैम्प वैल्यू से लेकर आए हम उसको बोलते हैं नहीं बॉस हमारी वो स्टैम्प वैल्यू ही सही है रहने दीजिए आप, ठीक है, हमें तो नुकसान हो जाएगा आपकी वैल्यू लेकर। अगर वो एक्चुअल कंसिडरेशन से भी कम वैल्यू लाए तो इससे नीचे नहीं जाते हम एक्चुअल कंसिडरेशन से, कंसिडरेशन तक तो रहते ही हैं। राइट, ओके, अब ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कब हमें जब गिफ्ट मिलते हैं तो किस किस केस में वो एग्जम्प्ट होते हैं। तो अगर हमें रिलेटिव से, एक इंडिविजुअल को अपने रिलेटिव से गिफ्ट्स मिले या HUF को अपने मेंबर्स, HUF के मेंबर्स से गिफ्ट्स मिले तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं। अब इंडिविजुअल के रिलेटिव में कौन कौन आते हैं, तो काफी सारे लोग रिलेटिव में आ सकते हैं, आप काफी सारे लोगों से गिफ्ट्स ले सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस से गिफ्ट ले सकता है, मतलब एक हस्बैंड अपनी वाइफ से गिफ्ट ले सकता है या वाइफ ने हस्बैंड से गिफ्ट ले सकते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल अपने ब्रदर या सिस्टर से गिफ्ट ले सकता है, ठीक है, अपने ब्रदर या सिस्टर से, या फिर अपने स्पाउस के ब्रदर या सिस्टर से भी, मतलब साले से या साली से भी हम गिफ्ट ले सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के ब्रदर या सिस्टर से भी, यानी कि पेरेंट्स के ब्रदर हो गए चाचा जी, ठीक है, पेरेंट्स के ब्रदर चाचा जी, पेरेंट्स की बहन, ठीक है, चाचा जी या फिर और मामा जी, ठीक है, मदर के ब्रदर,
ठीक है, अपने मामा जी से, मौसी से, बुआ जी से, इन सब से हम लोग गिफ्ट्स ले सकते हैं, खाला से गिफ्ट ले सकते हैं। लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। असेंडेंट और डिसेंडेंट क्या होता है, लीनियर क्या होता है, लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन। तो एक इंडिविजुअल अपने ऊपर एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करता है तो उसको कौन मिलेगा, उसके पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से गिफ्ट ले सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाएंगे कौन मिलेगा, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, हम उनसे गिफ्ट ले सकते हैं, राइट। या फिर अगर हम पूरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो नीचे कौन आएंगे, बच्चे, ठीक है। तो बच्चों से इंडिविजुअल गिफ्ट ले सकते हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन से भी वो गिफ्ट ले सकता है, राइट। और जितनी भी हमने लोगों की इन सब की बातें की हैं, और इवन स्पाउस के लिए असेंडेंट और डिसेंडेंट से, यानी कि स्पाउस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करिए, तो स्पाउस के ऊपर लाइन ड्रॉ करने में मिलेंगे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनसे हम गिफ्ट ले सकते हैं, या उनके उनके फादर या मदर से भी गिफ्ट ले सकते हैं। और जितने भी लोगों की हमने बातें करी हैं, इन सबके स्पाउस से भी हम लोग गिफ्ट ले सकते हैं, यानी कि ब्रदर से भी गिफ्ट ले सकते हैं, और ब्रदर की वाइफ से, मतलब भाभी से भी गिफ्ट ले सकते हैं, सिस्टर से भी गिफ्ट ले सकते हैं, और सिस्टर के वो मतलब जीजा जी से भी हम गिफ्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब से हम लोग गिफ्ट ले सकते हैं। तो इसका मैंने यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, इतना सफिशियंट है। फिर भी मैंने एक चार्ट यहाँ पर बनाया है। तो ये रिसीवर है, ये अपने स्पाउस से भी गिफ्ट ले सकता है, ये अपने ब्रदर से, सिस्टर के हस्बैंड से, ब्रदर की वाइफ से, इन सब की बातें यहाँ पर डिस्कस हैं। और आपने ऑलरेडी ये बुक डाउनलोड कर ली होगी, हैंड रिटन बुक है, काफ़ी मेहनत से बनाई है मैंने अपनी राइटिंग में, ठीक है, आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। काफ़ी, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और हर चीज़ मैंने इसको कवर की है, और बहुत सिंपली आप बहुत जल्दी इससे रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इस बुक से, एंड यू कैन ईजिली डाउनलोड डाउनलोड अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। और कब किस किस से हम लोग गिफ्ट ले सकते हैं जब टैक्सेबल नहीं होगा, तो जैसे कि हमने बातें करी है कि रिलेटिव से हम लोग गिफ्ट ले सकते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। पर याद रखिएगा कि अगर हमारा एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है। ये आईएफएस वाली बातें कर रहे हैं कि आईएफएस में अगर टैक्सेबल करना है तो मैरिज पर हम किसी से भी गिफ्ट ले सकते हैं, मैरिज पर मैरिज किसकी हो, जिसकी मैरिज है वही गिफ्ट ले सकता है। ऐसे नहीं कि मैरिज किसी और की हो रही है, उसके फादर और उसकी मदर गिफ्ट ले रहे हैं, तो उनकी फादर मदर के हाथों में टैक्सेबल कर देना, उनकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है। जिसकी शादी हो रही है, यानी कि ब्राइड या ब्राइड ग्रूम, ये लोग गिफ्ट ले सकते हैं किसी से भी, ठीक है, अंडर आईएफएस, अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हमें चीजें मिलती हैं तो हमारे लिए एग्जेम्प्ट होती हैं। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर या डोनर, पेयर ऑलमोस्ट जो डोनर है वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पर है, तो उस समय वो कहता है कि बॉस जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है मैं आपको देता हूँ, जो उसकी केयर टेकिंग कर रहा है, तो वो उसको अगर वो गिफ्ट दे देता है इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, तो वो भी हम टैक्सेबल नहीं करते हैं। अगर हमें लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिलते हैं, ग्राम पंचायत या जिला परिषद से, ये कब होता है एक्चुअली, तो ये मेनली होता है कि जनरली जो गाँव में स्कूल्स होते हैं तो वहाँ की ग्राम पंचायत वो लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए गिफ्ट देते हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 1023(c), सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बट इस तरह के फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से जब हमें गिफ्ट मिलते हैं तो ये टैक्सेबल नहीं होते हैं। जैसे कि टाटा मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है लोगों की कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका ट्रीटमेंट वो फ्री में करा रहा है, तो इस तरह के गिफ्ट जब मिलते हैं तो टैक्सेबल नहीं होंगे। ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB, जैसे कुछ ट्रस्ट हैं, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट, तिरुपति ट्रस्ट, शिरडी ट्रस्ट, ये लोगों की हेल्प करते हैं, तो इस तरीके से अगर पैसे मिलते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे। फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव, अगर हमारी एक ट्रस्ट से गिफ्ट मिलते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट से गिफ्ट मिल रहा है, बट एक्चुअली वो रिलेटिव के बेनिफिट के लिए मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे रिलेटिव से ही मिल रहा है वो पैसा तो टैक्सेबल होता नहीं है। और फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एज प्रिस्क्राइब्ड, तो मेनली आप याद रखिएगा, ठीक है, एक तो रिलेटिव वाला याद रखिएगा, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज याद रखिएगा, फाउंडेशन, ट्रस्ट वगैरह बातें, और लोकल अथॉरिटी वाले याद रखिएगा, ये बातें पूछ ली जाती है स्पेशली एमसीक्यूज में। मेडिकल वगैरह इंस्टीट्यूशन बातें कर ली है। सेक्शन 47 हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सेक्शन 47 था हमारा कैपिटल गेन का, जब हमें चीज़ें अगर मिलती हैं, जैसे कि अमलगमेशन हो रहा है, तो अगर अमलगमेशन हो रहा है जो अमलगमेटेड कंपनी को कोई भी कैपिटल असेट्स या अदर असेट्स जब मिलते हैं तो उसको हम टैक्सेबल नहीं करते हैं, राइट, प्रोवाइडेड जो नई कंपनी हो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो होल्डिंग कंपनी अपनी 100% इंडियन सब्सिडरी को दे, या इंडियन या सब्सिडरी अपनी 100% होल्डिंग
इंडियन होल्डिंग को देख, तब हम टैक्सेबल नहीं करते हैं। वो बातें हमने कैपिटल गेन में भी पढ़ी थी, बट मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अमल कमीशन के केस में, डी मर्जर के केस में, शेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रिविजन में कैपिटल गेन में, कि फॉर एग्जाम्पल कोई पुरानी कंपनी के, लेट से फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, अमल कमीशन हो गया और इनटू फ्लिपकार्ट, और उनको फ्लिपकार्ट के शेयर्स मिल जाते हैं उस समय, तो उसको भी हम टैक्सेबल नहीं करते हैं। बाद में जब वो बेचेंगे तब कैपिटल गेन आता है, बट उस समय उसको ट्रांसफर नहीं मानते, तो उस समय कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती कभी भी। दिस इज इंपॉर्टेंट COVID-19, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट है। COVID-19 के लिए अगर ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिलता है, ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिलता है फ्रॉम एनी पर्सन, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है, COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की बातें आपको रिटर्न में अपनी फर्निश करनी पड़ती है। तो अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए खुद के लिए, इंडिविजुअल को या उसके फैमिली मेंबर के लिए, अगर उनको पैसा मिल रहा है किसी से भी, तो लोगों ने कोविड के टाइम पर काफ़ी लोगों ने पैसा दिया था, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी के नेबर ने उसको पैसा दे दिया, या फिर बहुत सारे क्राउड फंडिंग हुई थी, वहाँ से पैसा मिला है। तो अगर ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिलता है तो उसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे विद सम कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं, तो मैं दो बातें करूंगा यहाँ पे COVID-19 में। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है, दूसरा अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई है फैमिली में, तो उसके फैमिली मेंबर्स को जो पैसा मिलता है तो उसके बारे में बातें करेंगे, बट अभी पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो अमाउंट रिसीव्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम एनी पर्सन, कंडीशंस क्या क्या हैं लिखा हुआ है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और फैमिली मेंबर, COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए उसके पास, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ COVID-19 ट्रीटमेंट हुआ है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ COVID-19 पॉजिटिव, जब से वो व्यक्ति COVID-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी कि वो पॉजिटिव है, और उसका ट्रीटमेंट विद इन 6 months होना चाहिए। तो और ये डिटेल्स वो सारी फर्निश करे अपनी रिटर्न में विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हम इसको द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट और रिसीट मस्ट बी फर्निश टू द डिपार्टमेंट विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो हम उसको ये वाली अमाउंट एक्सेप्ट कर देते हैं। दूसरा, जब अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसको पैसे मिल जाते हैं, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, अगर एम्प्लॉयर से पैसे मिलते हैं डेथ पर, अगर डेथ पर एम्प्लॉयर से पैसे मिलते हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं विदाउट एनी लिमिट। वो अमाउंट कितना भी हो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना भी हो वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर फ्रॉम एनी अदर पर्सन मिलता है, नॉट फ्रॉम एम्प्लॉयर बट फ्रॉम अदर पर्सन अगर ये पैसे मिलते हैं, तो एग्रीगेट 10 लाख रुपीज तक ही एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है, सिर्फ 10 लाख रुपीज तक ही एग्जेम्प्ट होंगे, 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल हो जाएंगे। बट ये दोनों ही अमाउंट जब हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ऑलमोस्ट वैसी कंडीशन है जैसे कि अभी हमने बातें की थी। तो डेथ ड्यू टू COVID-19 होनी चाहिए, बस यहाँ पर ये चेंज है, क्योंकि वहाँ पर डेथ नहीं थी, वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ था, ठीक है, और व्यक्ति को रिकवर हो गए, पर यहाँ पर डेथ के समय आ रहा है। तो डेथ ड्यू टू COVID-19 होनी चाहिए, अमाउंट रिसीव्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ होना चाहिए, ठीक है, जैसी डेथ होती है उसके 12 months के अंदर अंदर वो पैसा मिला। डेथ ऑफ द पर्सन मस्ट बी विद इन 6 months ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव, ठीक है, जब भी वो पॉजिटिव 19 की रिपोर्ट आई थी, पॉजिटिव थे वो, विद इन 6 months उनकी डेथ हो जानी अगर हो गई है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट मेंशनिंग द डेथ कॉज इज ड्यू टू कोविड की वजह से ही डेथ हो तभी मिलेगी एग्जम्पशन, अगर रीजन ऑफ डेथ कुछ और है तो ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और सेम ये भी डिटेल्स, आप जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ ये डिपार्टमेंट को फर्निश करनी होगी SSC को विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फैमिली का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, स्पाउस और चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, और पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल तभी कवर्ड होंगे अगर वो होली और मेनली डिपेंडेंट थे इंडिविजुअल के ऊपर। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट, राइट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी बातें सेक्शन 56(2) में, कब कब ये चीज़ें टैक्सेबल होती हैं, राइट। मैंने कहा था ना, मेजरली हम लोगों का ये जो चैप्टर है मेजरली 56(2) के बारे में ही बातें करते हैं, बाकी सेक्शन तो बहुत छोटे छोटे सेक्शन हैं, ठीक है। 56(2) भी छोटी है, अब तो खत्म होने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई भी कंपनसेशन मिल जाती है या अदर पेमेंट रिसीव इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होता है और कुछ पैसे अगर हमें मिल जाते हैं तो वो IFOS में टैक्सेबल होंगे।
वो तो सैलरी में टैक्सेबल होना चाहिए, द आंसर इज यस, वो चीजें सैलरी में टैक्सेबल होती है। बट अगर इन केस वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बता रहा था कि इनकम टैक्स जो हमारा लॉ है वो रेवेन्यू इनकम के लिए तो कॉम्प्रिहेंसिव है, बट कैपिटल एसेट के लिए सिलेक्टिव लॉ है। तो कभी कभी क्या होता था कि असेसी इसका फायदा उठा लेता था कि अगर वो कैपिटल, वो बोलता था सर ये तो कैपिटल एसेट है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो इनकेस अगर वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो पाया, इनकेस अगर वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो पाया, वहां पर असेसी ये बोल रहा है कि सर ये तो कैपिटल एसेट है, इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, तो हम उसको यहां पर टैक्सेबल कर सकते हैं, राइट। तो अगर किसी का भी इंप्लॉयमेंट टर्मिनेट होता है तो उसका ऑब्वियसली इंप्लॉयर उसको पैसे देगा, करेक्ट। तो इंप्लॉयर अगर उसको पैसे देगा तो इनकेस अगर वो सैलरी में टैक्सेबल हो गया तो अच्छी बात है, इनकेस अगर अपने उसको सैलरी में टैक्सेबल नहीं करा है तो हम यहाँ पर उसको टैक्सेबल कर सकते हैं, मतलब वो टैक्सेबल तो होगा, ये तो पक्का है। सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और इसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा और मुझे लगता है ये बैकग्राउंड आप जानते भी हैं, जब हम डिडक्शंस वगैरह पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर भी हम डिस्कस करते हैं वाली बातें। सेक्शन 10-10D, अगर ये सेक्शन का नंबर याद नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बट हाँ इसके प्रोविजन आपको पता होने चाहिए। देखिए क्या होता था, जो भी हमें लाइफ इंश्योरेंस का जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर होती है, जब इसका पैसा मिलता है तो उसको टैक्सेबल करते थे, एग्जेम्प्ट करते थे, तो ये बातें सेक्शन 10-10D में लिखी हुई हैं। तो जनरली वो एग्जेम्प्ट रहता था सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ 10-10D। तो अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 के पुरानी है, ये सारी बातें तो मैं भी पुरानी वाली बातें बताऊंगा आपको, पूरा पुराना बैकग्राउंड, चेंजेस यहाँ पर आए हैं, ठीक है। वो पॉलिसी जो आपकी 1/4/2023 और उसके बाद की पॉलिसीज है उसके लिए चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए मुझे पहले आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा और मुझे लगता है आपको ये चीज़ें पता होंगी, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा, ईजी बात है बिल्कुल। तो 1 अप्रैल 2023 से कोई पुरानी पॉलिसी थी, अगर उसका पैसा मिलता है तो वो तो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर कोई पॉलिसी 1/4/2003 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में इशू हुई है, अगर कोई भी पॉलिसी, क्योंकि LIC पॉलिसी क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं, अगले 10 साल 20 साल 25 साल के लिए होती हैं, 30 साल के लिए होती हैं, फिर बाद में उसको पैसे मिलते हैं, तो हो सकता है अभी भी 2024 में भी हमें कोई ऐसी पॉलिसी का पैसा मिल रहा है SSC को जो बहुत पुरानी पॉलिसीज थी। तो ये देखना है कि पॉलिसी की डेट क्या थी, ये जब पॉलिसी शुरू की थी, जब उसने ये पॉलिसी ली थी तो वो कब ली थी। अगर वो 1 अप्रैल 2003 के पुरानी पॉलिसी ली थी, ठीक है, तो आज से लगभग 19-20 साल पहले की अगर वो पॉलिसी थी, उसका पैसा अब मैच्योर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर वो पैसा मैच्योर होकर आ रहा है तो वो तो पूरी तरह से एग्जेप्ट है, करेक्ट, क्लियर है। दूसरी, अगर कोई पॉलिसी की डेट 1/4/2003 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में थी, तो अगर वो पॉलिसी का पैसा मैच्योर होकर आ रहा है तो वो भी हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं 10-10D में, प्रोवाइडेड उसका जो प्रीमियम है, उसका जो प्रीमियम है शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड। अब आपको थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही होंगी जो आप बातें 80C में पढ़ते थे, जब आपने डिडक्शंस के बारे में बातें पढ़ते हैं तो आपने ये 80C में बातें जरूर पढ़ी होंगी। तो 20% वाली बातें, 10-15% वाली बातें, ये बातें आपने पढ़ी होंगी। तो कोई भी पॉलिसी अगर 1/4/2003 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में है तो वो भी पैसा अगर मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होता है, बट हाँ अगर उसकी प्रीमियम 20% से ज़्यादा की थी तो वो टैक्सेबल हो जाता है, जितना भी पैसा हमें मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर उसकी प्रीमियम 20% से ज़्यादा की थी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये बातें कर लेता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई इसी डेट के बीच की कोई पॉलिसी थी, मान लेते हैं 2010 की कोई पॉलिसी थी, 11 की कोई पॉलिसी थी, अगर उसका सम इंश्योर्ड, लेट से उसका सम इंश्योर्ड था 80 लाख रुपीज़ उसका सम इंश्योर्ड था और उसकी प्रीमियम जाती थी लेट से फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो मुझे बताइए 1 लाख इज हाउ मच परसेंट ऑफ 80 लाख। सर ये तो बहुत कम है, एक सेकेंड, 1/80% सर ये तो 1.25% है बस। तो जितना भी ये मुझे आज ये 80 लाख रुपीज मिला है ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके जो प्रीमियम थी वो 20% से ज्यादा नहीं थी। इनफैक्ट अगर मैं ये बोल दूं कि उसकी प्रीमियम 15 लाख भी थी, लेट से 80 लाख रुपए मिले हैं और इसकी प्रीमियम 15 लाख थी, प्लीज बताइएगा सम इंश्योर्ड का कितना परसेंट है। तो 15/80 करके देख लीजिए, 15/80% 18.75% आ रहा है, यानी कि सर ये तो 20% से ज़्यादा नहीं आ रहा तो एग्जेम्प्ट हो जाता था, ठीक है। 20% से अगर ज़्यादा आएगा, अब 80 लाख अगर सम इंश्योर्ड है
इसका 20% होता है 16 लाख, राइट। अगर 16 लाख से ज्यादा अगर प्रीमियम गई होती इसकी, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी प्रीमियम 17 लाख रुपीज गई होती, तो अब ये 80 लाख रुपीज जब मिलेगा तब ये टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। ठीक है, समझ गए नॉर्मल बातें। 2012 के बाद चेंजेस आए, 2012 के बाद चेंजेस आए कि कोई भी पॉलिसी अगर 2012 के बाद की है तो कर दिया गया 10%, ये 20% की लिमिट को 10% कर दिया गया। ये बातें हम 80C में अच्छे से पढ़ते हैं, हम रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं, तो 20% से 10% कर दी गई। बट एक साल के बाद ये रियलाइज हुआ कि अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल फिजिकली हैंडीकैप गहरा है तो उसके केस में थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होती है, तो इन्होंने एक साल के बाद ही चेंज कर दिया इसको, 10% तो रखा बाकी लोगों के लिए, बट जो फिजिकली डिसेबल है उसके लिए कर दिया 15%, उसके लिए 15% कर दिया गया था। जो लोग डिसेबल होते हैं एज पर ATDDB या ATU में जो डिसेबिलिटी होती है, अगर उससे वो डिसेबल है तो वो 15% कर दिया गया था। अब मैं इसको कैसे याद करा दूं, मैं ये कहता हूं कि सिर्फ एक ही डेट याद कर लेना, 2012 वाली, 1/4/2012 ये डेट याद कर लीजिएगा। 1/4/2012 से जो पुरानी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, इतनी पुरानी तो अब आपसे पूछी भी नहीं जाती, 2003 पुरानी, बट अगर 1/4/2012 से जो पुरानी पॉलिसीज होती हैं उसके लिए लेते हैं 20%, ठीक है, सिर्फ एक डेट, मतलब ये वाला 2003 अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट जनरली सिर्फ इस डेट से भी अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। 1/4/2012 के पहले की जो पॉलिसीज थी उसके लिए 20% लेना होता है। एक साल तक सभी पॉलिसीज के लिए 10% वाली बातें आ गई थी, एक साल तक, एक साल के बाद ये बातें रियलाइज हुई डिपार्टमेंट को, नहीं नहीं हमने 10% ठीक नहीं कराए तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, तो उन्होंने क्या करा उसके बाद, इसके 1 अप्रैल 2012 के एक साल के बाद, यानी कि 1 अप्रैल 2013 1 अप्रैल 2013 से कर दिया गया नॉर्मल पॉलिसीज के लिए 10%, बट अगर कोई डिसेबल है तो उसके लिए 15% ऑफ सम इंश्योर्ड। यानी कि अगर आज कोई भी ऐसी पॉलिसी अगर मैच्योर होती है जो 1/4/2013 के बाद की पॉलिसी थी, तो जितना भी पैसा मिलेगा क्या वो टैक्सेबल होगा या वो एग्जेम्प्ट होगा, ये डिपेंड करता है उसका प्रीमियम का अमाउंट कितना था। अगर वो प्रीमियम का अमाउंट 10% से ज़्यादा नहीं था तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, अगर वो 10% ज़्यादा था तो वो टैक्सेबल हो जाता है। अगर इनकेस वो डिसेबल के लिए पॉलिसी का देख रहे हैं तो 15% देखेगा, करेक्ट। ये पुरानी बातें हैं सारी। अब चेंजेस यहां पर आए हैं। अगर कोई भी पॉलिसी की डेट 1/4/2023 के बाद की है, यानी कि कोई भी पॉलिसी अगर ली जाती है 1/4/2023 और ऑनवर्ड्स, उसके लिए हमें क्या देखना है। पुरानी बातें तो आज भी चलेंगी, 10% देखना है उसकी प्रीमियम कहीं 10% से ज्यादा तो नहीं, अगर ज्यादा है तो टैक्सेबल कर दीजिएगा। हाँ, अगर वो डिसेबल के लिए हैं तो 15% देख लीजिएगा। ये बातें एज इट इज हैं, बट आज यहाँ पर एक और लिमिट लगा दी गई 5 लाख रुपीज़ की, 5 लाख रुपीज़ की। यानी कि अगर कोई भी पॉलिसी अगर 1/4/2023 के बाद की है, चाहे भले ही उसका प्रीमियम 10% से कम है, 15% से कम है, बट अगर उसका प्रीमियम पूरे साल का 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, 5 लाख तक चलेगा, 5 लाख से ज़्यादा है, तब हम वो प्रीमियम, वो जितना भी पैसा मिलेगा उसको भी हम टैक्सेबल कर देंगे, अब मैंने कहा जितना पैसा मिलेगा उतना टैक्सेबल कर देंगे, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों सर, हमने प्रीमियम भी तो पे करी होगी, तो बिल्कुल सही बात है, प्रीमियम माइनस भी कर सकते हैं। तो जितना भी हमें सम इंश्योर्ड मिला माइनस प्रीमियम माइनस कर देंगे, जितनी भी हमने प्रीमियम पे की थी, बट ये माइनस तभी होगा अगर इसकी आप डिडक्शन पहले से नहीं लिया था। अगर इसकी आप डिडक्शन पहले से ले चुके थे तो ये भी माइनस नहीं होगा, यानी कि आप प्रीमियम का अमाउंट तभी माइनस करेंगे अगर आपने इसकी कोई डिडक्शन नहीं ली थी। बट जनरली हमने इसकी डिडक्शन 80C वगैरह में ली होगी तो वो आप फिर माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको मैं क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 1/4 इसके बारे में क्वेश्चन आपको आ सकता है इस बार एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट है और ये मेन अमेंडमेंट है IFOS की। वो ये कहता है कि कोई भी पॉलिसी अगर 1/4/2023 के बाद की इशू है, 1/4/2023 या उसके बाद की इशू है, उसका जब पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल हो सकता है। कब? अगर उसका प्रीमियम 10% से ज्यादा है, वाली बात है आज भी है, टैक्सेबल हो जाएगा, या डिसेबल के लिए 15% से ज्यादा, टैक्सेबल हो जाएगा। मान लेते 10% ज्यादा नहीं है, 15% ज्यादा नहीं है, बट उसका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, अगर उसका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो जो पैसा मिला वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल फ्रॉम सच इंश्योरेंस पॉलिसी, जितना भी पैसा आपको रिसीव हुआ है, जितना भी पैसा सम इंश्योर्ड प्लस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट, बोनस वगैरह भी इशू अगर मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, बोनस वगैरह कब मिलता है,
अगर हम सारी प्रीमियम अपने टाइम से भरते रहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोनस। तो जितना भी हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है उस मैच्योरिटी पर, माइनस प्रीमियम पे जो आपने करी हुई वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है, वो माइनस कर सकते हैं। बट प्रीमियम पेड माइनस तभी करिएगा अगर इसकी आपने पहले से डिडक्शन नहीं ली थी, ठीक है। ओनली सच प्रीमियम इज अलाउड टू बी डिडक्टेड विच इज नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शन अर्लियर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि जनरली हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम की डिडक्शन कहां पे लेते हैं, 80C में। अगर आपने इसकी डिडक्शन 80C में पहले से प्रीमियम जब आप पे कर रहे थे इसकी डिडक्शन आप ले चुके हैं तो वो माइनस नहीं करेंगे, राइट। यानी कि कुल मिलाकर सिंपल सा लॉजिक है, हम पूरा का पूरा अमाउंट आप टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि आपकी इसकी डिडक्शन, आप बोलेंगे सर मैंने तो प्रीमियम पे कर रखा था, हम बोलेंगे बॉस आपने डिडक्शन भी तो पहले ली थी ना, इसलिए हम आपको माइनस नहीं करने देंगे। हाँ, अगर आपने डिडक्शन नहीं ली थी तब माइनस कर सकते हैं, राइट। अब इसमें एक और पॉइंट है, बट उससे पहले ना मैं एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा। आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन का, अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, इनफैक्ट अगर आप ऐसे करके लेना चाहें तो यहां पर ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए देखिएगा, लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर द एग्जम्पशन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 10D फॉर द सिंगल पॉलिसी परचेज बाय 4 डिफरेंट पर्सन। चार अलग अलग लोग हैं, चार अलग अलग केसेस हैं, इनके पास एक पॉलिसी थी, अब हमें बताना है कि हम उसको टैक्सेबल करेंगे या नहीं करेंगे। डेट ऑफ इश्यू ऑफ पॉलिसी 31/12/2022। सबसे पहले ये डेट ऑफ इशू इंपॉर्टेंट है। सर ये तो हमारे 1/4/2023 से पुरानी पॉलिसी है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाख वाली बातें नहीं करेंगे हम लोग। 5 लाख वाली बातें तो हम तभी करेंगे जब वो 1/4/2023 है उसके बाद की डेट ऑफ इशू पॉलिसी का, तो पे 5 लाख की तो बातें नहीं करेंगे। हाँ, बट यहाँ पर हम 10% की बातें करेंगे, अगर डिसेबल है तो 15% वाली बातें करेंगे। प्रीमियम पेबल एवरी ईयर 5.6 लाख का प्रीमियम पेबल था, ठीक है, समय शॉर्ट था 60 लाख। तो यहाँ पर ऐसा तो कहीं पर नहीं दिया हुआ कि डिसेबल वगैरह वाली बातें थी, तो इसका मतलब हमें 10% वाला प्रोविजन लगाना है। अब मुझे बताओ सर प्रीमियम तो 5 लाख से ज्यादा है, अरे 5 लाख की मैं बात ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं बातें करूंगा? बिकॉज ये डेट पुरानी है, ठीक है, हमें 1/4/2023 के बाद वाली पॉलिसीज लेनी है, क्योंकि अमेंडमेंट उनके लिए आई है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं आई है, प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आई है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो इसीलिए मैं पुरानी वाली बातें तो इसके लिए तो मैं 5 लाख वाली बातें करूंगा नहीं। तो अगर 5 लाख से ज्यादा भी अमाउंट है, मैंने जान पूछ के यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा लिखा हुआ है अमाउंट, तो अगर ये 5 लाख से ज्यादा भी अमाउंट है तो भी कोई चिंता वाली बातें नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो हम सिर्फ 10% देखेंगे। अब मुझे बताओ 60 लाख का समय शॉर्ट है, 60 लाख का समय शॉर्ट है, उसका 10% होता है 6 लाख। क्या आपने 6 लाख से ज्यादा की प्रीमियम पे करी थी? नहीं सर, ठीक है, नहीं की थी, तो इसका मतलब ये एग्जेम्प्ट होने वाली है पॉलिसी। तो वेदर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीड्स, पहली चीज है पूछे क्या वो 10% से ऊपर जा रहा है अमाउंट? नहीं जा रहा। क्या ये 5 लाख वाली लिमिट इसके लिए एप्लीकेबल होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि ये पॉलिसी दो हमें क्वेश्चन पूछते थे, दोनों का जवाब आ गया कि ना तो 10% से ऊपर जा रहा अमाउंट, ना ही ये इस पे ऊपर 5 लाख के प्रोविजन लगाने, तो क्या 10-10D में एग्जेम्प्ट हो जाएगी? आंसर इज यस। तो ये जब ये 60 लाख रुपीज मिलेंगे ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इसको टैक्सेबल मत करिएगा। क्लियर हो रहा है आप बातें? अब देखिए दूसरी पॉलिसी है ये 25 मार्च 2023 की, ये भी 1 अप्रैल 2023 से पहले की पॉलिसी है, 5 लाख वाली बात है, यहां पर भी मत लगाइएगा। देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल एज पॉलिसीज इशूड बिफोर 1/4/23, तो 5 लाख वाली बात है तो यहां पर लगेगी नहीं। अब ये देख लीजिएगा क्या 10% से ज्यादा का प्रीमियम है, समय शॉर्ट था 25 लाख, प्रीमियम हम पे कर रहे हैं 3 लाख, 25 लाख का 10% होता है 2.5 लाख का प्रीमियम जाना चाहिए था, उससे ज्यादा प्रीमियम जा रहा है, सर ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, इसको आप टैक्सेबल कर दीजिएगा। तो ये हमारी टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या इसकी एग्जम्पशन 10 सेक्शन 10 में मिल पाएगी? नहीं सर, वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रीमियम 10% से ज्यादा था, तो ये पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी मेच्योरिटी पर। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखते हैं मिस्टर वाई के लिए 20th अप्रैल 2023, यानी कि ये पॉलिसी है हमारी 1 अप्रैल 2023 और उसके बाद की, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 और ऑनवर्ड्स की पॉलिसी है, यहाँ पर 5 लाख वाली बातें भी लगेंगी। प्रीमियम पेबल एवरी ईयर 4.3 लाख, अरे 5 लाख की तो सर आई नहीं प्रीमियम, 5 लाख से कम है, तो चलो 5 लाख की बातें हम लगाएंगे तो सही, बट इसके ऊपर लग नहीं पाएगी क्योंकि प्रीमियम कम था। ओके, 40 लाख का समय शॉर्ट था, 40 लाख का समय शॉर्ट था, 40 लाख का 10% तो देखेंगे ना, 10% तो बातें तो अभी भी है, तो 10% देखेंगे सर, 10% से ज्यादा है, यस 10% से ज्यादा है। क्या 5 लाख से ज्यादा है? नहीं,
बट फिर भी सर हमारे 10% वाला क्राइटेरिया मीट आउट हो गया तो कोई एग्जम्पशन हम 1010D की नहीं देंगे, नो कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। किस वजह से इसको टैक्सेबल करा, 5 लाख की वजह से या 10% वाली वाले कंडीशन की वजह से, 10% वाली कंडीशन की वजह से, ठीक है। ओके मिस्टर जेड का देखिएगा, मिस्टर जेड कहता है इसकी पॉलिसी है 28 फरवरी 2024 की, ये भी 1 अप्रैल 2023 के बाद की पॉलिसी है। 5 लाख वाली बात यहाँ पर आएंगी, सर 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है प्रीमियम, टैक्सेबल कर देना, 10% भी मत देखना, टैक्सेबल कर देना। चलो फिर भी 10% देख लेता हूँ। 65 लाख की पॉलिसी थी, 65 लाख की पॉलिसी थी, उसका 10% तो कम है, 10% वाली बातें तो नहीं लगी, बट 5 लाख वाली बातें लग गई है, इसको भी टैक्सेबल कर देना। इसको एग्जम्प्ट, क्या एग्जम्प्शन मिलेगी? नहीं जी, नहीं नहीं मिलेगी, क्यों? प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा की है। समझ में आ गया? तो आई बिलीव ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर आप लेना भूल गए थे तो अब ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ओके, एक पॉइंट जो आपको और देखना है, आप आइएगा, इफ यू कम टू योर बुक पेज नंबर 7.8 पर। ओके अगर देखिए एसएससी के पास एक से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उस केस में क्या करना है आप? इन केस ऑफ मोर देन वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप, यूलिप नहीं देखना, यूलिप 45(1)(b) में आता है, वो हमारे सी इंटरमीडिएट कोर्स में भी नहीं है, तो मैं नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बातें कर रहा हूँ। देन सच पॉलिसीज आर एग्जेम्प्ट वेयर एग्रीगेट प्रीमियम ऑफ एनी ईयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। हम क्या देखना है, उसके एग्रीगेट प्रीमियम देखना है, तो उसको भी हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, बट हमें यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो ऐसा कब हो सकता है? अगेन आई वुड लाइक यू टू सी वन मोर क्वेश्चन। यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन से समझते हैं इसको। डिटरमाइन वेदर द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 1010D फॉर मल्टीपल पॉलिसीज परचेज आफ्टर 1 अप्रैल 2023 बाय सुरेश इन द फॉलोइंग सिनेरियोस। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर 7 पॉलिसीज हैं, एक ही एसएससी की 7 पॉलिसीज हैं, और सारी की सारी 1 अप्रैल 2023 के बाद की है। किसी की भी प्रीमियम अगर 5 लाख से ज़्यादा की है वो तो टैक्सेबल हो जाएगी, बट अगर किसी की प्रीमियम 5 लाख रुपीज से कम की है तो क्या हम उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसी पॉलिसीज को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं जिसका एग्रीगेट 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस केस में हम कैसे करते हैं, जैसे कि पॉलिसी नंबर 1 देखिएगा, पहले पॉलिसी 1 इसका सम एश्योर्ड है 50 लाख और प्रीमियम पेएबल एवरी ईयर है 6 लाख रुपीज, 5 लाख से ज्यादा है सीधा सीधा, तो इसको तो हम टैक्सेबल कर देंगे। तो क्या ये सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट है? द आंसर इज नो, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, इसका प्रीमियम तो 5 लाख रुपीज से ज्यादा है, और वैसे भी इसका 10% से भी ज्यादा है, 5 लाख से भी ज्यादा है, दोनों ही केसेस लगा लीजिए आप, टैक्सेबल तो हो ही रहा है किसी भी केस से। दूसरा पॉलिसी नंबर 2 इसका प्रीमियम पेबल है 2.2 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, सम एश्योर्ड 18 लाख है, क्या ये एग्जेम्प्ट हो सकता है? द आंसर इज अगेन नहीं, क्यों? 10% से ज्यादा प्रीमियम है, यहाँ पर 18 लाख का 10% होता है 1.8 लाख, उससे ज्यादा प्रीमियम है, इसको भी हम टैक्सेबल कर देंगे, ये भी एग्जेम्प्ट नहीं हो पाएगा, नो। पॉलिसी नंबर 3 0.7 लाख प्रीमियम है, यानी कि 70,000 प्रीमियम है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, 4 लाख इसका सम एश्योर्ड है, 4 लाख 10% होता है 40,000 से ज्यादा यहाँ पर हमारा प्रीमियम आ रहा है, अगेन इसको भी हम टैक्सेबल कर देंगे, एग्जेम्प्ट नो। क्या ये सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट है? नहीं, ये भी एग्जेम्प्ट नहीं है, तो ये तीनों पॉलिसी तो हमारी टैक्सेबल हो जाएंगी, ऑल दीज 3 पॉलिसी, इसको भी टैक्सेबल कर दीजिएगा, इसको भी टैक्सेबल कर दीजिएगा, इसको भी टैक्सेबल कर दीजिएगा। फर्स्ट पॉलिसी हमारी 5 लाख वाली कंडीशन सेटिस्फाइड से टैक्सेबल हो गई, ये दोनों पॉलिसीज हमारी टैक्सेबल होगी बिकॉज इसका प्रीमियम 10% से ज्यादा है सम एश्योर्ड का। पॉलिसी 4 देखते हैं, पॉलिसी 4 का प्रीमियम है 1.1 लाख, ओके 5 लाख से ज्यादा नहीं है, और क्या इसका 10% से ज्यादा है? 12 लाख का 10% था 1.2 लाख, 1.2 लाख से ज्यादा नहीं, यानी कि इसको हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, तो दिस कुड बी एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सेकंड देखिएगा पॉलिसी 5, इसका भी प्रीमियम 10 लाख का 10% 1 लाख से ज्यादा नहीं है, 5 लाख से ऑब्वियसली ज्यादा नहीं है, 5 लाख से तो अब कोई ज्यादा नहीं आ रहा है, बस 10% वाली कंडीशन देख लेते हैं, ये भी 10% से ज्यादा नहीं है,
15 लाख का 10% होता है 1.5 लाख, ये भी उससे ज्यादा नहीं है। 25 लाख का 10% होता है 2.5 लाख, उससे ज्यादा नहीं है। यानी कि ये चारों पॉलिसीज हमारी एग्जेम्प्ट हो सकती हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें इसका एग्रीगेट प्रीमियम देखना है। अगर इसका एग्रीगेट प्रीमियम टोटल करके अगर 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है तो फिर ये चारों एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ मल्टीपल पॉलिसीज अगर उनका एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इसका एग्रीगेट प्रीमियम देखिएगा 1.1 प्लस 0.8 प्लस 1.2 और 2, मैं करके देखता हूं इसको। 1.1 प्लस 0.8 प्लस 1.2 प्लस 2, 5.1 लाख आ रहा है, 5 लाख से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये चारों पॉलिसी तो एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम चारों का एग्रीगेट करेंगे तो चारों तो ये एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगानी है आपको। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप चार पॉलिसी तो एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम तीन पॉलिसी तो एग्जेम्प्ट हो ही जाएंगी। क्योंकि अगर मैं इन तीनों का करता हूँ, अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूँ तो इट वुड बी 5 लाख से कम आ रहा है। 1.1 प्लस 0.8 प्लस 1.2, 3.1 लाख का प्रीमियम आ रहा है। इसका मतलब इसको तो टैक्सेबल कर दीजिएगा, इन तीनों को आप एग्जेम्प्ट करके। ठीक है, यानी कि तीन पॉलिसीज हमारी 4, 5, 6 को एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं सर एक काम करते हैं 5, 6, 7 को एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। हाँ करा सकते हैं, देखिए फिर उस केस में इसको हम टैक्सेबल कर देंगे और ये तीनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अगर आप इसका टोटल करेंगे 2 लाख, 3.2 और 4, ये भी हाँ इस केस में भी एग्जेम्प्ट हो सकती है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 4, 5 और 7 का कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे तीन पॉलिसीज के, और हम वो एग्जेम्प्ट करेंगे जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो इस केस में ठीक है, इसके चांसेस इतनी सारी पॉलिसीज आने के लिए मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे दिया आपको। इतना बड़ा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ इसकी ही लेवल, इसके लेवल का से थोड़ा सा कम आ सकता है जहाँ पर आपको कम से कम 2 पॉलिसीज या 3 पॉलिसीज दी हुई हो। तो आप लोग समझ गए किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है। अब क्या हो रहा है, देखो ये शुरू के तीनों पॉलिसीज तो 1, 2, 3 में तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो टैक्सेबल है ही। ठीक है, या तो 5 लाख से ज़्यादा था इनका प्रीमियम या फिर 10% से ज़्यादा था, ये तो इस पर तो कोई डाउट नहीं है। अब ये चारों पॉलिसीज एक साथ एग्जेम्प्ट हो नहीं सकती हैं। देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था इन केस ऑफ मोर देन वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देन सच पॉलिसीज आर एग्जेम्प्ट वेयर एग्रीगेट प्रीमियम ऑफ एनी ईयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख और अप्लाई ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है, पहले 4, 5, 6 को, 4, 5, 6 को अगर हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो 7th वाली टैक्सेबल हो जाएगी। कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, 25 लाख। ओके, अगर पॉलिसी 7 को टैक्सेबल करें तो 25 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। अगर पॉलिसी 6 को टैक्सेबल करें और बाकी पॉलिसी 4, 5 और 7 को एग्जेम्प्ट करें, अगर क्योंकि इन तीनों का प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा का नहीं है, 3.9 लाख का प्रीमियम है, पॉलिसी 6 को टैक्सेबल करें तो 15 लाख हम टैक्सेबल हो जाएगा। अगर हम पॉलिसी 4 को करें तो 12 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, पॉलिसी 5 को टैक्सेबल करें तो 10 लाख। तो ये वाला पॉलिसी सबसे ज़्यादा ठीक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ 10 लाख ही टैक्सेबल हो रहा है। तो एक काम कीजिएगा, 4, 6 और 7 को आप एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा, बस पॉलिसी 5 को टैक्सेबल कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम ऑप्टिमम ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगा। क्लियर हो गए? अब ये क्वेश्चन भी आपके पास नहीं होगा, अगर आप चाहें तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ रहा है पूरा? ओके राइट, सो दिस वाज इम्पोर्टेंट। अब ये अमेंडमेंट है, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, सो दिस वाज इम्पोर्टेंट। चलिए अब आ जाते हैं वापस। इम्पॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, अगर डेथ के समय कोई पॉलिसी का पैसा मिलता है तो डेथ के समय तो हमेशा एग्जेम्प्ट रहता है। सिर्फ एक सिचुएशन होती है जब हम डिडक्शन में पढ़ते हैं कि अगर हमने डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए पॉलिसी ली थी और डिसेबल्ड डिपेंडेंट की डेथ हो जाती है और असेसी को पैसा मिलता है, तब उस केस में वो टैक्सेबल होता है। अदरवाइज डेथ के समय जो पैसा मिलता है वो तो हमेशा ही एग्जेम्प्ट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिसी अमाउंट वो 5 लाख से ज़्यादा था कम था, अगर डेथ के समय पैसा मिलता है तो वो हमेशा ही एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, सिर्फ इन केस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट वाली बात है जो मैं आपको डिडक्शन के चैप्टर में भी डिस्कस करूंगा सेक्शन 80DD के साथ। सम रिसीव्ड अंडर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको लोग जानते हैं कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल होता है। और यूलिप के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, एक सेक्शन होता है 45(1)(b)
ये बातें हम लोग अपने नेक्स्ट लेवल पर डिस्कस करेंगे। ओके, द फॉलोइंग इनकम्स आर ऑल्सो टैक्सेबल अंडर IFOS इफ नॉट चार्ज अंडर PGBP। कुछ ऐसी भी इनकम होती है जिसको अगर हमने PGBP में टैक्सेबल नहीं करा तो हम IFOS में कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम होती है? Employee contribution to provident fund, employee contribution। अभी याद होगा आपको, हमने जब सेक्शन 36 डिस्कस किया था, सेक्शन 36 में क्या होता था, जो employee का पैसा है, employee contribution, वो हमें जल्दी से जल्दी, कब तक? PF की, अगर वो provident fund का पैसा है तो हमें provident fund की due date तक deposit करा देना चाहिए था। Provident fund की due date क्या होती है? Next month की 15th day तक हमें वो deposit करा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं कराएंगे तो वो हमारी हमेशा इनकम बन जाएगी, राइट? तो वो इनकम हमारी PGBP की इनकम होती है, करेक्ट? अगर हमने उसको डिपॉजिट करा दिया तो फिर हम उसको इनकम नहीं बनाते हैं, बट अगर हमने डिपॉजिट नहीं कराया वो पैसा, जो भी हमने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रखा अपने पास, प्लीज उसको जल्दी से जल्दी अगले महीने की 15 तारीख से पहले पहले डिपॉजिट करा दीजिएगा, यानी कि ड्यू डेट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव फंड, अगर वो प्रोविडेंट फंड है या कोई भी फंड है तो उसकी ड्यू डेट तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए, करेक्ट? तो वो हमारी PGBP की इनकम बनती है। इनकेस अगर असेसी ने उसको PGBP की इनकम नहीं बनाया है तो IFOS कहता है, फिर वो IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा, करेक्ट? अदरवाइज तो इट इज वैसे PGBP की इनकम है। इफ इट इज नॉट चार्जेबल टू PGBP तब IFOS की इनकम आप बना सकते हैं। दूसरी देखो, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं, दैट इज माई हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बट साथ साथ में फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना फर्नीचर या अदर कोई दूसरे असेट्स रेंट पर देते हैं तो दैट इज आर IFOS इनकम। बट हाँ, अगर हमें उस तरह का फर्नीचर रेंट पर देने का हमारा बिजनेस है तो वो हमारी इनकम बन जाती है PGBP की, बट अगर हमने PGBP हमारे ऐसे तरह का बिजनेस नहीं है तो वो हमारी इनकम बन जाती है IFOS की, ठीक है? तो रेंटिंग ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह इफ नॉट चार्ज PGBP तो ये IFOS की इनकम बन जाती है। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आपने बिल्डिंग को भी लेट आउट किया और साथ साथ में आपने अदर असेट्स को भी लेट आउट किया, और दोनों को लेट आउट करना सेपरेबल नहीं था, आप दोनों को एक साथ ही लेट आउट की, बातें याद आती है आपको, कंपोजिट रेंट की हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में बातें की थी। तो इन केस अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं तो जितना पैसा हमारा उस बिल्डिंग से आता है वो हमारे हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कंप्यूट होगा, और जो पैसा हमारे अदर एसेट से या अदर सर्विसेज से आता है वो हमारा IFOS में होगा। PGBP में भी हो सकता है अगर हमारा उस तरह का बिजनेस है, ठीक है, जिस तरह की वो हमने अदर एसेट्स रेंट पर दिए, अगर हमारा इस नेचर का बिजनेस है तो PGBP, अदरवाइज IFOS, राइट? बट अगर हम उसको सेपरेट ही नहीं कर सकते तो वो हमारी पूरी पूरी PGBP या IFOS की इनकम बन जाती है, डिपेंड करता है अगर हमारा उस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस है तो PGBP, अदरवाइज IFOS, करेक्ट? यही बातें हमने, देखो मैंने लिख भी रखा है, हाउस प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था। इंटरेस्ट इनकम मेनली हमारी IFOS की इनकम बनती है इफ इट इज नॉट PGBP। अगर देखिए किसी का बैंकिंग बिजनेस है, लेंडिंग बिजनेस है, ठीक है, उनका पैसे उधार देने का बिजनेस है, तो वो तो इंटरेस्ट इनकम PGBP की बनेगी, अदरवाइज वो हमारी IFOS की इनकम बनती है। तो इंटरेस्ट इनकम इज चार्ज अंडर IFOS इफ इट इज नॉट द नेचर ऑफ PGBP। याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जो हमारा इनकम मिलती है वो भी हमारी IFOS की इनकम बनती है, बट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में याद रखिएगा 3500 रुपीज़ की हमें यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाती है, और अगर वो जॉइंट अकाउंट हो तो 7000 माइनस करने के बाद, यानी कि अगर आपको 10000 रुपीज़ मिले हैं, सिंगल अकाउंट है तो माइनस 3500 कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो माइनस 7000 कर दीजिएगा, बाकी अगर रिमेनिंग ही टैक्सेबल करते हैं। इंटरेस्ट इन फॉलोइंग बॉन्ड्स आर एग्जेम्प्ट, कुछ बॉन्ड्स के ऊपर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जैसे कि बॉन्ड्स इशूड बाय लोकल अथॉरिटी, बॉन्ड्स इशूड बाय स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसके इस तरह के बॉन्ड्स के ऊपर जब हमारा इंटरेस्ट आता है दैट इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एक बार ये भी एग्जाम में पूछा गया था, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में जो मेनली NRIs के लिए इस तरह के अकाउंट खोलते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट आता है वो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड पर्सन मस्ट बी अ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज पर फेमा और परमिटेड बाय RBI टू मेंटेन सच मैन। अगर RBI परमिट करता है इस तरह के अकाउंट मेंटेन करने की, मेनली NRIs के लिए होते हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से पैसा आता है, NRE अकाउंट हम इसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये नॉर्मल बैंक अकाउंट खुलते हैं, SBI PNB वगैरह में खुलते हैं अकाउंट, मेनी नॉन रेसिडेंट्स इस तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, फाइनल में इसमें थोड़ा डिटेल में बातें करते हैं, बट हाँ एक बार इंटरमीडिएट में इसके ऊपर भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है, तो इसको प्लीज एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट एक कंसेप्ट होता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन का। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन होती हैं कि आपको पता है कि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट, बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है जनरली IFOS की, राइट? बट कभी कभी असेसी क्या करता है, उस टैक्स से बचने के लिए
वो जैसे ही उसको इंटरेस्ट मिलने वाला होता है उससे कुछ टाइम पहले, उससे कुछ दिन पहले वो इस बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर देता है, इन डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर देता है किसी और के नाम पर, राइट। और फिर जब वो इंटरेस्ट मिल जाता है तो फिर वो वापस अपने नाम पर वापस उसको वापस ले लेता है। तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। अगर असेसिंग ऑफिसर को इस तरह की चीजें पता चलती हैं तो वो हमेशा आप ही की इनकम बनाएंगे, चाहे भले ही आपने उसको कुछ टाइम के लिए ट्रांसफर किया फिर था फिर वापस ले लिया था, बट वो हम आप ही की इनकम बनाएंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट होता है ये। अदर इनकम टैक्सेबल अंडर आईएफएस, ऐसी कुछ इनकम है जिसको जो अब आप देखती है तो प्लीज आप उसको आईएफएस की इनकम बनाइएगा, जैसे इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देखो अगर हमारा जो चार्जिंग सेक्शन था हाउस प्रॉपर्टी का, वो हमेशा सेक्शन 22 वहां पर ये बोलता है कि असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वहां पर असेसी ओनर होना चाहिए, डीम्ड ओनर होना चाहिए एज पर सेक्शन 27, राइट। याद आती है आपको बातें? तो अगर असेसी ओनर है या डीम्ड ओनर है तो वो रेंट उसका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पर ले ली, ठीक है, मैं उसका टेनेंट था और मैंने उसको सबलेट कर दिया, तो मेरी जो इनकम आ रही है क्या मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी? द आंसर इज नो, बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मैंने उसको सबलेट कर दिया है, तो वो इनकम मेरी आईएफओएस की इनकम बनती है। सबलेटिंग इज आईएफओएस इनकम। सैलरी एमपी और एमएलए को मिलती है, आप अच्छे से जानते हैं, हमने सैलरी चैप्टर में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर इंप्लॉय इंप्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होता है, तो जो एमपी को एमएलए को सैलरी मिलती है वो हमारी टैक्सेबल होती है अंडर द हेड आईएफओएस, वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगी। बट हाँ, अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, तो डेली अलाउंस कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस आर एग्जेम्प्ट इफ द असेसी इज फॉलोइंग ओल्ड टैक्स रिजीम, मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम। बट अगर हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होते, ये टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा, यहाँ पर डिफरेंस है हमारे न्यू रिजीम में और ऑप्शनल रिजीम में। फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है अंडर फैमिली पेंशन। अगर इम्प्लॉय को ही, एक्स एम्प्लॉय को ही, अगर इम्प्लॉय को ही पेंशन मिलती है तो वो तो सैलरी इनकम होती है, बट उसके फैमिली मेंबर्स को जब पेंशन मिलती है तो आई एफ ओ एस की इनकम मिलती है, राइट। और इसमें से कुछ डिडक्शन मिलती है, आपको पता होगा, ठीक है, 1/3 ऑफ सच पेंशन या 15,000 रुपीज़ जिसकी हम बातें करेंगे, वो डिडक्शन मिलती है फैमिली पेंशन के केस में। और इसमें एक चेंजेस आ गए हैं कि अब ये न्यू रिजीम में भी वो डिडक्शन मिलती है। पहले क्या होता था, सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में डिडक्शन मिलती थी, बट अब वो दोनों ही रिजीम में, अगर ऐसे कोई भी रिजीम फॉलो कर रहा है वो डिडक्शन मिलेगी। अभी मैं थोड़ी देर में सेक्शन 57 में जब डिस्कस करूंगा ये बातें भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डायरेक्टर्स फीस या सिटिंग फीस मिलती है डायरेक्टर्स को, दैट इज अगेन आईएफएस इनकम। अगर डायरेक्टर को रेमुनरेशन मिल रही है इन द टर्म्स ऑफ सैलरी, अगर वो वहाँ पर फुल टाइम डायरेक्टर है, जब उसको पैसे मिलते हैं तो सैलरी इनकम होती है। बट अगर वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, नॉन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डायरेक्टर फीस है, मीटिंग फीस है, मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलते हैं, तो सच फीस इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस, राइट। और इसके ऊपर आपको पता है कि टीडीएस का भी एक सेक्शन आएगा 194J, तो उसकी बातें करेंगे हम लोग। सेक्शन 57, सेक्शन 57 होता है डिडक्शंस विच आर अलाउड फ्रॉम आईएफएस। जब हम आईएफएस की इनकम कंप्यूट करें तो हमें कौन कौन सी हमें एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, तो अगर हमारी डिविडेंड की इनकम आ रही है, ठीक है, डिविडेंड की इनकम आ रही है, यूनिट्स के ऊपर हमारी इनकम आ रही है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ऊपर, तो हमें सिर्फ एक ही डिडक्शन यहाँ पर मिलती है। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इस बार की अमेंडमेंट नहीं है, कुछ साल हो चुके हैं इसको अमेंडमेंट अमेंड हुए हुए, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिविडेंड की अगर इनकम आ रही है, हम सिर्फ एक ही इसमें से डिडक्शन दे सकते हैं, वो होती है अगर हमने इस डिविडेंड में जब हमने शेयर्स खरीदे थे तो वो पैसा हमने कहीं से लोन लिया था, तो उसका जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, जो उस लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमें अलाउड होता है, बट मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ सच इनकम। यानी कि जितना डिविडेंड हमारा हमें मिल रहा है या म्यूचुअल फंड की इनकम मिल रही है, उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% हम उसका इंटरेस्ट मैक्सिमम ले सकते हैं। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर आपकी रेंटल इनकम होती है, जैसे प्लांट मशीनरी या फर्नीचर आपने रेंट पर दिया है, तो उसके फर्नीचर के ऊपर अगर आपने कोई रिपेयर्स कराई है, इंश्योरेंस कराया, तो इस तरह के खर्चे आपके अलाउड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहेंस कंपनसेशन में बातें कर रहा था, इसकी याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। 50% फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी अगर इंटरेस्ट मिला हो ऑन कंपनसेशन या एनहेंस कंपनसेशन। और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, मैंने जैसे भी बताया था कि जो हमारा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारी इनकम बन जाती है, बट हमें उसके पैसे उसकी ड्यू डेट तक, आरओआई की ड्यू डेट या उस पर्टिकुलर फंड की, जैसे प्रोविडेंट फंड है, उसकी ड्यू डेट तक हमें डिपॉजिट करा देने चाहिए, ठीक है। अगर आप करा देते हैं तो फिर आपकी इनकम नहीं बनती है, बट अगर आपने नहीं कराए तो आपकी इनकम बन जाती है पीजीपीपी की। अगर आपने पीजीपीपी की इनकम नहीं बनाई तो यहाँ पर आईएफओएस में भी प्रोविजन है कि हम उसको आईएफओएस की इनकम बना देंगे, राइट। फैमिली पेंशन में आपको डिडक्शन मिलती है 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000 रुपीज़ विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये पेंशन अगर इंप्लॉय को ही मिल रही है पेंशन, फिर ऐसी कोई डिडक्शन नहीं मिलती, ये डिडक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ फैमिली पेंशन पर,
वन थर्ड ऑफ सच पेंशन, जितनी भी फैमिली पेंशन मिली है पूरे साल में उसका 1/3 कीजिएगा या 15,000 विच एवर इज लोअर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक अमेंडमेंट है अब कि अब ये न्यू रिजीम में भी जो डिफॉल्ट रिजीम है वहां पर भी ये डिडक्शन मिलेगी। तो दिस डिडक्शन इज नाउ अंडर बोथ द रिजीम, आप एसएससी न्यू रिजीम फॉलो कर रहा है या ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहा है, दोनों ही केसेस में डिडक्शन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसके बारे में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है क्योंकि पहले ये ऐसा नहीं होता था बट अब यहाँ पर ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर, वो बोल सकते हैं कि एसएससी डिफॉल्ट रिजीम फॉलो कर रहा है और वहां पर उसको फैमिली पेंशन मिल रही है तो प्लीज उसको ये डिडक्शन दीजिएगा क्योंकि अब ये दोनों ही रिजीम में मिलती है। फैमिली पेंशन अगर सोल्जर्स को मिलती है, आर्म फोर्सेस के किसी सोल्जर को मिलती है बट जिनकी डेथ हो गई है, जिनकी डेथ हो गई है ड्यूरिंग ऑपरेशनल ड्यूटीज, तो उनके फैमिली मेंबर्स को जब पेंशन मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। अगर विनर हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या अदर सच गैलेंट्री अवार्ड्स, तो यहाँ पर भी आपको पता है कि इनकम एग्जेम्प्ट होती है। ओके, सेक्शन 58 डिडक्शंस नॉट अलाउड। अभी जब आप ये सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पीजीबी भी रिवाइज हो रहा है हमारा। ओके, तो कोई भी सेक्शन 58 कहता है कि कोई भी पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है। Any amount or salary paid outside India without deducting TDS, याद आता है आपको section 40 small है, अगर आप outside India payment करते हैं, salary की payment करते हैं outside India without deducting TDS, ऐसा खर्चा allowed नहीं होगा। या फिर आप within India resident को payment करते हैं और आप उसके ऊपर TDS के provisions थे, आपने TDS deduct नहीं किया तो 30% हम disallow कर देंगे। Same बात है, बिल्कुल same बात है यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर दिया फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा की तो जितना एक्सेस करा है वो disallow करिए, जितना एक्सेस करा है। अगर आपने सिंगल डे में सिंगल पार्टी को 10,000 रुपीज में कैश बेयरर चेक या क्रॉस चेक से पेमेंट कर दी है तो 10,000 से अगर ज्यादा कर दिए तो हम पूरा डिसअलाउ कर देते हैं। अगर 11,000 की पेमेंट है तो पूरा 11,000 डिसअलाउड हो जाता है, राइट। एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी लॉटरी से इनकम हो गई है तो लॉटरी से इनकम आ गई 1,00,000 रुपीज की, लॉटरी आप जीत गए और उसका टिकट खरीदा था 1,000 रुपीज का, तो क्या ऐसे ऐसे ये बोल सकते हैं सर 1,00,000 की तो इनकम आई है बट मैंने 1,000 का टिकट खरीदा था तो मेरी इनकम 99,000 की होगी। द आंसर इज नो, कैजुअल इनकम से कोई भी हम एक्सपेंस कोई भी डिडक्शन हमारी माइनस हम नहीं कर सकते, फ्लैट टैक्स लगता है 30% का। तो कैजुअल इनकम से हम कोई चैप्टर 6 से की डिडक्शन या कोई और डिडक्शन भी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी इनफैक्ट वहां से हम नहीं ले सकते, यहाँ पर तो हमें 30% का टैक्स देना ही पड़ता है, करेक्ट। हाँ, बट जो जिनका बिजनेस है बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का, आपको पता है कि उनकी वो कैजुअल इनकम नहीं होती, वो तो इन द नेचर ऑफ बिजनेस है, राइट। बट हाँ, हमको अगर उनका रेस हॉर्सेस के एस्टेब्लिशमेंट है तो हम उसके एफओएस की इनकम मानते हैं, वहां से वो एक्सपेंसेस अलाउड हो सकते हैं बिकॉज दैट इज नॉट इन द नेचर ऑफ कैजुअल इनकम, करेक्ट। तो अगर इनका किसी का बिजनेस होता है रेस हॉर्सेस एस्टेब्लिशमेंट का तो वो इनकम कैजुअल इनकम नहीं होती, वो तो इन द नेचर ऑफ बिजनेस है तो उनके तो एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। ओके, सेक्शन 59, सेक्शन 59 इज डीम्ड आईएफओएस, सिंपल सा सेक्शन है। यहाँ पर ये बोलता है कि हमने अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो पहले कभी क्लेम किया था आईएफओएस की इनकम कंप्यूट करते समय और अगर आपने वो एक्सपेंस आपका रिकवर हो जाता है तो दैट इनकम विल बिकम योर आईएफओएस इनकम। बिल्कुल वैसे ही जैसे सेक्शन 41 था, जैसे हमने बैड डेट्स क्लेम करे थे, बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो हमारी पीजीबीपी की डीम्ड इनकम बन जाती है। सेम इसी तरीके से अगर हमने कोई भी एक्सपेंस हमने आईएफओएस में क्लेम किया था बाद में वो रिकवर हो जाता है That will income will be our IFRS income, correct? Okay. अब आपको IFRS की income के ऊपर tax क्या लगता है? Generally IFRS की income के ऊपर normal tax rate लगते हैं, जैसे कि अगर for example individual वगैरह हैं, इंडिविजुअल एच यू एफ वगैरह हैं तो उनके ऊपर स्लैब रेट्स लगते हैं। बट हाँ, अगर हमारी आई एफ एस की इनकम कैसी हो, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी आई एफ एस की इनकम कैजुअल इनकम हो या फिर 115BBJ नया सेक्शन आता है एंड नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स से, अगर इस तरीके से हमारी इनकम आती है तो 30% का टैक्स जाता है। और हाँ, अगर अनएक्सप्लेन्ड इनकम आती है, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट वैसी इनकम आती है तो आपको पता है 60% का हमारे ऊपर टैक्स आता है। तो जनरली जो आईएफओएस की इनकम होती है वो अदर आईएफओएस में तो नॉर्मल रेट्स आते हैं, बट अगर इस तरह की इनकम आती है, जैसे सेक्शन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको टैक्स के रेट बताने चाहिए इसके ऊपर, अगर कैजुअल इनकम आ रही है लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, गेम शो वगैरह, तो ऐसी इनकम पर 30% का टैक्स जाता है। अगर अनएक्सप्लेन्ड इनकम आ रही है, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है, अनएक्सप्लेन्ड मनी है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, तो 60% का टैक्स होता है और प्लस सरचार्ज वगैरह मिला के इफेक्टिव रेट हो जाता है 78% का, करेक्ट। 115BBJ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन 115BBJ, यहाँ पर आती है नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। नेट विनिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप डाउनलोड करना
करा और फिर उसके ऊपर खेलना शुरू किया। तो नेट विनिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने वॉलेट में 1000 रुपीज से स्टार्ट किया, 1000 रुपीज से स्टार्ट किया और फिर आपके वहां पर पैसे हो गए 10,000 रुपीज, तो आपकी नेट विनिंग कितनी हुई, 9,000 रुपीज की नेट विनिंग है, उसके ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा कितना, 30%। तो जितनी भी आपकी नेट विनिंग होगी 30% का टैक्स लग जाएगा, करेक्ट। अब देखो इसको इस तरीके से बताया हुआ है, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि इसको नेट विनिंग को हम कैसे देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ऐप डाउनलोड करी, लेट्स से ड्रीम इलेवन डाउनलोड किया आपने और उसमें अपने वॉलेट में 1000 रुपीज का इससे यहां पर आपने डिपॉजिट कराया, 1000 रुपीज डिपॉजिट कराया आपने और उसके बाद आपकी विनिंग हो जाती है, आपके अकाउंट में हो जाते हैं 10,000 रुपीज, फिर आपका वॉलेट बढ़कर 10,000 हो जाता है, करेक्ट। तो आपकी कितनी विनिंग हो गई, 9,000 रुपीज की, 9,000 के ऊपर हम टैक्स लगा देंगे 30%। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको विड्रॉ भी नहीं कराते इस अमाउंट को, तो हम क्या देखते हैं एंड ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग बैलेंस कितना था, तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास था, क्लोजिंग बैलेंस था आपके पास 10,000 रुपीज का और माइनस आपके पास जो वॉलेट में डिपॉजिट किया था ये ओपनिंग बैलेंस इतना था 1000 रुपीज का, तो यहाँ पर आपकी 9,000 की नेट विनिंग हो जाती है, करेक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एसएससी इसको विड्रॉ करा लेता है, अगर एसएससी ने इसको विड्रॉ करा लिया पूरा का पूरा, तो उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ करा लिया, लेट से उसने कहा कि नहीं अब मुझे नहीं खेलना, मैं 10,000 रुपीज विड्रॉ करा लिए, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, जीरो। बट उसके पास उसने कितना विड्रॉ कराया, 10,000 रुपीज, तो जितना भी विड्रॉ कराया उसमें से हम देखते हैं उसने कितना डिपॉजिट कराया था, 1000 रुपीज उसका माइनस कर दीजिएगा तो कितना आया, 9,000 रुपीज इसकी ये इनकम आ गई। आप इस तरीके से, यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि इस साल आपने कितने पैसे अर्न करे थे, तो कैसे पता चलता है अर्न करना, या तो आपने विड्रॉ करा लिए होंगे या आपके वो क्लोजिंग बैलेंस में होंगे, तो जितना भी आपका क्लोजिंग बैलेंस बचता है या विड्रॉ कराया उसके ऊपर उसको हम टैक्सेबल कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने इसको खेलना शुरू किया, आपने 1000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस जीरो था, आपने 1000 रुपीज में इसको डिपॉजिट कराया, अपने वॉलेट में अपडेट कर दिया अपने 1000 रुपीज, उसके बाद इसका बैलेंस हो गया 10,000 रुपीज का, इसमें से आपने 4,000 रुपीज विड्रॉ करा लिए, 4,000 रुपीज आपने इसमें से विड्रॉ करा लिए, यानी कि आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो 6,000 रुपीज बचेगा, करेक्ट। तो इसको कैसे बताया कि इसको हम कैसे हम ट्रीट करेंगे, कितना टैक्सेबल करेंगे, हमें पता है कुल मिला के तो 9,000 का फायदा है, पर इसको कैसे करेंगे, जितना भी आपने विड्रॉ कराया है, जितना भी आपने विड्रॉ कराया है उसको हम टैक्सेबल करते हैं, ठीक है, प्लस जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम टैक्सेबल करते हैं, माइनस जो भी आपने डिपॉजिट कराया था उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए विड्रॉ कराया आपने 4,000 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस था आपका 6,000 रुपीज, माइनस डिपॉजिट कराया था 1,000, तो अल्टीमेटली 9,000 रुपीज आ गया, इतना आपको टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल चल गए, ठीक है। और दो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा जो इस सेक्शन ने दिया है, बट फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप लॉजिक लगाइए सिंपल। या फिर ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो ड्रीम इलेवन गेम बहुत पहले से खेलता है, लास्ट ईयर से खेल रहा था और इस साल का उसका ओपनिंग बैलेंस था, इस साल का उसका ओपनिंग में था लेट से 15,000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस, और उसने इस साल डिपॉजिट भी कराया, उसने डिपॉजिट भी कराया फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, तो 25,000 तो उसने एक तरीके से डिपॉजिट है, 15,000 उसका ओपनिंग बैलेंस था इस साल के शुरू का 1 अप्रैल 2023 का, और 10,000 उसने डिपॉजिट भी कराया और उसने विड्रॉ कराए 1,00,000 रुपीज उसने विड्रॉ कराए और क्लोजिंग बैलेंस भी है इसका, लेट से विड्रॉ कराने के बाद भी क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपीज का, इसका मतलब वो काफी पैसे इस साल जीता है, ठीक है, उसने नेट विनिंग उसने की है ऑनलाइन गेमिंग से, क्योंकि 15,000 उसका ओपनिंग बैलेंस था, उसने सिर्फ 10,000 डिपॉजिट कराया, कुल मिला के 25,000 डिपॉजिट थे, उसने 1,00,000 रुपीज विड्रॉ भी करा लिया और क्लोजिंग बैलेंस अभी 50,000 है। तो सिंपल आपको क्या देखना है, जितना भी उसने विड्रॉ कराया उसको विनिंग मानी है उसकी, जितना भी उसने विड्रॉ कराया प्लस जितना उसका क्लोजिंग बैलेंस है, माइनस कर दीजिएगा इसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस डिपॉजिट, सिंपल है, इस तरह से आपकी नेट विनिंग आ जाती है। तो विड्रॉ उसने कराए 1,00,000 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपीज का है, माइनस ओपनिंग 15,000, माइनस डिपॉजिट 10,000, ये जो अमाउंट आ जाएगा ये इसकी नेट कितना हो गया, ये 150 माइनस 25, 1,25,000 उसकी नेट विनिंग हो गई, इस पर 30% टैक्स लगेगा, करेक्ट। सिंपल लॉजिक है, यही बातें अगर आपको मैं फॉर्मूले के हिसाब से बता दूं तो आपको लगता है कि सर ये कितना कैसे याद करेंगे, बट अगर आप ये देखेंगे ना ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी कुछ भी नहीं है, ए क्या होगा, जितना भी उसने अमाउंट विड्रॉ कराया,
डी क्या होगा, जितना उसका क्लोजिंग बैलेंस था, ये उसकी इनकम हो गई, माइनस कर दीजिएगा। ये बी क्या होगा, जो उसका ओपनिंग बैलेंस था। सी क्या होगा, जितना भी उसका डिपॉजिट कराया। करेक्ट। तो यहाँ पे डी फॉर डिपॉजिट ऐसे मत बोलना। ये सब क्या है, ये पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, जितना भी विड्रॉ कराया प्लस क्लोजिंग वो हमने ऐड किया, और माइनस इन दोनों में से ये दोनों चीजें कर दी हैं। ठीक है, तो ए क्या हो रहा है यहाँ पर, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ विड्रॉन। ठीक है, डी क्या होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका। देखो डी क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपको याद मत करने लगना इस फॉर्मूले को, लॉजिक है। 1 मिनट के लिए बैठ के आप आराम से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा इस तरीके से फॉर्मूले बने हुए हैं। माइनस बी क्या है यहाँ पर, बी है जितना उसने डिपॉजिट कराया, सी क्या है, जितना उसका ओपनिंग बैलेंस था, तो ये माइनस कर दीजिएगा, उसकी नेट पे नहीं आ जाएगी। 115 BBJ में ये टैक्सेबल हो गया 30% पर। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ द एग्जेम्प्ट इनकम। कुछ एग्जेम्प्ट इनकम होती है आईएफएस में, उसको टैक्सेबल मत कीजिएगा। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर से अगर इनकम आ रही है, कंपनसेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बैन इंडिविजुअल और देयर लीगल हेयर्स को, अगर इनको पैसे मिलते हैं नेचुरल डिजास्टर से, दैट इज एन एग्जेम्प्ट इनकम। एजुकेशन स्कॉलरशिप मिल जाती है हमें किसी भी व्यक्ति से, एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए पैसा मिलता है, एग्जेम्प्ट होता है। अवार्ड्स लाइक लिटरेरी अवार्ड, साइंटिफिक या आर्टिस्टिक वर्क इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट, अगर हमें अवार्ड्स मिलते हैं दैट इज अगेन इज नॉट टैक्सेबल। और हमें अगर कम्यूटेड पेंशन मिलती है, अगर कम्यूटेड पेंशन मिलती है मतलब लमसम पेंशन, किससे मिली है, हमने कोई LIC पेंशन फंड में पैसे इन्वेस्ट किए थे, अगर LIC हमें रेगुलर पेंशन देती है तो दैट वुड बी टैक्सेबल एज IFOS, क्योंकि हम लोग हमारा एम्प्लॉयर पैसे नहीं दे रहा। हमने क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेशली वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको पता है पेंशन तो मिलनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैसे भी अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम डिफेंस, तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी LIC से या किसी और इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन फंड में डिपॉजिट करने लगते हैं पैसा। तो जब ये पैसा रिटायरमेंट के बाद हमें मिलता है, किससे मिल रहा है, एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा, हमें पेंशन फंड से पैसा मिलता है, हर महीने मिलता है, टैक्सेबल कीजिएगा। बट अगर ये लमसम पैसा मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, राइट। अब लास्ट मुझे बताना है डिविडेंड के बारे में, तो लास्ट हमारा टॉपिक है IFOS में डिविडेंड के बारे में। सबसे पहले डिविडेंड की चार्जेबिलिटी के बारे में समझिएगा। 3 तरह से आपको डिविडेंड मिल सकता है, ये तो फाइनल डिविडेंड मिलता है, ठीक है, या इंटरिम डिविडेंड मिलता है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर डीम डिविडेंड का भी कंसेप्ट होता है सेक्शन 222। तो फाइनल डिविडेंड हम कैसे टैक्सेबल करते हैं, जैसे ही वो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, जैसे ही वो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि अगर रिसीव भी नहीं हुआ है बट वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो टैक्सेबल हो जाता है। तो जैसे ही वो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है दैट इज टैक्सेबल। इंटरम डिविडेंड जनरली जैसे ही आपको रिसीव हो जाता है, जैसे ही आपको रिसीव हो जाता है हम उसको टैक्सेबल कर देते हैं। तो वेन एवर इट इज मेड अनकंडीशनली अवेलेबल टू द मेंबर, कि मेंबर को ये अवेलेबल करा दिया गया इंटरम डिविडेंड, रिसिट बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो टैक्सेबल होगा, बट फाइनल डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर होता है उसको टैक्सेबल कर देते हैं। डीम डिविडेंड के 5 पार्ट्स है, 222A, B, C, D और ई। ई काफी इंपॉर्टेंट होता है, उस पर क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में। तो डीम डिविडेंड हम कैसे टैक्सेबल करते हैं, जो 222A से लेकर 222D तक है, शुरू के 4 वो हम टैक्सेबल करते हैं जैसे ही वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हमें अभी हम देखेंगे 222A, B, C, D, E रिवाइज कर लेंगे अभी हम। तो जो शुरू के 4 हैं, जैसे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे हम वो डीम डिविडेंड माना जाता है, जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको टैक्सेबल कर देते हैं। बट 222E जैसे ही वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, वहाँ पे हम लोन वगैरह की बातें करेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस की, जैसे वो हमें पैसा मिलता है तब हम उसको टैक्सेबल कर देते हैं। तो मेनली याद रखिएगा फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल होते हैं जैसे ही वो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इंटरम डिविडेंड विच इज रिसिट बेसिस पर, और डीम डिविडेंड जैसे ही वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुए, या 222E जैसे ही वो हमें 222 में हमें समझा देता हूँ, वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे, जैसे ही वो पैसा हमें मिलता है तो वो टैक्सेबल हो पाएगा। अब ये 222A, B, C, D, E क्या होते हैं, 222A होता है, देखो अगर कभी कभी कंपनी क्या करती है, वो डायरेक्टली आपको पैसे नहीं देती है बट वो आपको इनडायरेक्टली डिविडेंड दे देती है, जितने भी उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से वो आपको क्या करती है, अगर वो आपको कैश में पैसे ना देगी अदर असेट्स दे दे, तो अगर उसने अदर असेट्स दे दिए तो भी हम उसको मानते हैं कि वो भी डीम डिविडेंड है। तो अगर शेयर होल्डर्स को, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, अगर उनको अदर असेट्स मिल जाते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितने हमारे कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना अमाउंट तक अगर हमें मिल जाता है, यानी कि अगर हमारे कंपनी के पास बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 5 लाख और हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया गया 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक, तो हमारा डिविडेंड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 6 लाख दे दिए गए, एक्यूमुलेट प्रॉफिट था 5 लाख, हमें मिल गया 6 लाख, तो 1 लाख को नहीं करेंगे बट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि 5 लाख तक तो डिविडेंड माना जाएगा। तो
222A फॉर असेट्स, मैं कह सकता हूँ जब कभी भी कंपनी इसको असेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो जैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट करा वो आपकी इनकम बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ डीम डिविडेंड। 222B होता है कि अगर कंपनी आपको डिवेंचर्स या डिवेंचर्स डिवेंचर सर्टिफिकेट्स वगैरह दे देती है तो आपको इनकम बन जाएगी। ठीक है, वो कैसे देती है, वो आपको जनरली डिवेंचर्स वगैरह इशू कैसे होते हैं कि आप उनको पैसे दें वो डिवेंचर्स आपको इशू करेंगे, बट आप उनको पैसे नहीं देते हैं शेयर होल्डर, बट फिर भी वो आपको डिविडेंड दे देती है। किस में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, वेदर दे आर कैपिटलाइज और नॉट कैपिटलाइज, अगर वहां से आपको डिविडेंड डिवेंचर्स मिल जाते हैं, डिवेंचर स्टॉक मिल जाता है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, तो वो हमारी इनकम हो जाती है अंडर सेक्शन 222B। ठीक है, हाँ अगर आपको बोनस शेयर्स मिल जाते हैं इक्विटी होल्डर्स को तो वो हमारी इनकम नहीं होती, क्योंकि बोनस शेयर्स मिलना तो इक्विटी शेयर्स को नॉर्मल है, वो तो एज पर कंपनी लॉ होता है, बट अगर बोनस शेयर्स मिल जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तब हम उसको टैक्सेबल कर देते हैं एज 222B, उसको हम डीम डिविडेंड मानते हैं। 222C, आपको ये बात याद होगी, ये बात मैंने आपको डिटेल में समझाई भी थी जब हमने अभी कैपिटल गेन डिस्कस किया था। जब कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है, जब कभी भी अपनी कंपनी लिक्विडेट होती है और वो अपने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है लिक्विडेशन के टाइम पर, तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसका हम डिविडेंड मानते हैं, वो 222C होता है। 222D होता है अगर कंपनी अपने रिडक्शन कर देती है अपने शेयर कैपिटल को, उससे रिडक्शन करा और आपको पैसे दे दिए। एक्चुअली जब कंपनीज अपने शेयर कैपिटल रिड्यूस कब करते हैं, जब कंपनी लॉसेज में चल रही हो, बट यहाँ पर क्या होता है वो एक्चुअली लॉसेज में नहीं चल रही थी बट वो अपना डिविडेंड देना चाह रही थी, तो वो क्या कर उसने क्या किया, अपने शेयर का प्राइस रिड्यूस करा और टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको ये पैसा दे दिया, तो वही हम डीम डिविडेंड ही मानते हैं। तो 222A, B, C, D डीम डिविडेंड होते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है वो होता है 222E, अच्छे से हमें आना चाहिए। पहली चीज सुन लीजिएगा, 222E सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए, मतलब मैं कह सकता हूँ प्राइवेट कंपनीज के, मतलब अनलिस्टेड कंपनीज के लिए 222E लगता है। अगर ये कंपनीज लोन्स या एडवांसेस दे देती हैं प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि पब्लिक कंपनीज के लिए तो बहुत सारा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सेबी की रेगुलेशंस है, हर चीज़ पब्लिक करनी पड़ती है, बट प्राइवेट कंपनीज ऐसा करती हैं, वो क्या करती हैं उनके पास प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, बट वो प्रॉफिट्स अगर देंगे तो डिविडेंड आ जाएगा, तो वो क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर्स पे, जैसे कोई किसी कंपनी में 2-3 शेयर होल्डर्स है, प्राइवेट कंपनी है 2-3 शेयर होल्डर है, मेनली फैमिली कंसर्न है, ठीक है, उन लोगों ने अपनी कंपनी बनाई हुई है, उनको डिविडेंड भी चाहिए पर वो डिविडेंड टैक्सेबल भी नहीं करना, तो क्या करते हैं वो लोग, वो लोन ले लेते हैं अपनी कंपनी से और वो लोन कभी वापस ही नहीं करते, करेक्ट, वो लोन कभी वापस ही नहीं करते, बट एक्चुअली ये हुआ क्या, एक तरीके से उन लोगों ने डिविडेंड निकाल लिया, तो इसको हम कहते हैं 222E। तो लोन्स एंड एडवांसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनीज यानी कि प्राइवेट कंपनीज का शेयर होल्डर, कौन सा शेयर होल्डर, जिसके पास कम से कम 10% वोटिंग शेयर्स हो, वोटिंग मतलब इक्विटी शेयर्स हो, अगर ऐसा शेयर होल्डर वहां से पैसे लेता है, किस तरह के लोन्स या एडवांसेस लेता है जिसके पास कम से कम 10% और मोर इक्विटी शेयर्स हो, मतलब वोटिंग राइट्स हो, अगर वो वहां से लोन लेता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो हम डीम डिविडेंड मानते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जेड प्राइवेट लिमिटेड, क्लोजली हेल्ड कंपनी, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहां पर एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, कम से कम इनके पास 10% इक्विटी शेयर होने चाहिए, मतलब वोटिंग राइट 10% होने चाहिए, अगर ये शेयर्स होल्डर हैं इतने कम से कम, अगर फॉर एग्जाम्पल ये शेयर होल्डर 9% के होते हैं, 8% के होते हैं, फिर हम ये 222E नहीं लगाते, 222E तभी लगेगा जब आपके पास 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स हो। अगर ये मिस्टर ए खुद लोन ले लेते हैं अपनी कंपनी से टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो इसको हम डीम डिविडेंड मान लेते हैं, या फिर अपने किसी रिलेटिव को ये लोन दिलवा देते हैं, रिलेटिव को, अपनी वाइफ को लोन दिला, अपने ब्रदर को लोन दिला दिया, तो फिर भी हम डीम डिविडेंड मानते हैं, या फिर किसी ऐसी कंसर्न में जहां पर मिस्टर ए, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंसर्न थी ABC एंड एसोसिएट्स, पार्टनरशिप फर्म थी, इस कंपनी ने डायरेक्टली इनको ना लोन देकर इनकी कंसर्न को दिया, तो हम ये मानते हैं कि हमने आप ही को दिया है तरीके से लोन। तो अगर हमने आपकी किसी कंसर्न को लोन दिया और वहां पर आप क्या है, वहां पर आपके पास कम से कम सब्सटैंशियल ओनरशिप है, सब्सटैंशियल का मतलब होता है 20% और मोर ओनरशिप है, यहाँ पर आप पार्ट, अगर फॉर एग्जांपल ये पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पर आप पार्टनर थे और आपके पास कम से कम सब्सटैंशियल ओनरशिप थी इसकी 20% और मोर, क्लियर है, देखो 10 और 20 में कंफ्यूज मत होना, हम 10 किसके लिए देखते हैं, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है वहां पर आप कम से कम 10% के शेयर होल्डर्स हैं, और जिस कंसर्न को आप लोन दिला रहे हैं उस कंसर्न में आपका कम से कम 20% ओनरशिप राइट है, ठीक है। तो अगर आप लोन लें, आपके रिलेटिव लोन लें, आपकी किसी कंसर्न लोन लें जहां पर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, हम इसको डीम डिविडेंड मानते हैं, क्लियर हो गया। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट, कब कब नहीं मानेंगे, कब कब नहीं मानेंगे, देखिए अगर फॉर एग्जांपल इस कंपनी का मेन बिजनेस ही
लोन देने का था, ये अगर ऑर्डिनरी कोर्स में अपना लोन देती है, अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स में अगर अपना लोन देती है तो हम इसको हम फिर नहीं मानेंगे 222E। बट अगर इस कंपनी का कोई ऐसा बिजनेस नहीं था लोन देने का, बट फिर भी ये लोग लोन ले लेते हैं, तब तो उस केस में 222E बन जाएगा। आई एम सो सॉरी गाइस। ठीक है, ट्रेड एडवांस फॉर एग्जांपल, अगर कोई शेयर होल्डर ट्रेड एडवांस लेता है, क्यों ट्रेड एडवांस क्या होता है कि उसने कुछ चीज़ें सप्लाई की थी, अगर वो ट्रेड एडवांस ले रहा है तो ट्रेड एडवांस लेना 222E में नहीं माना जाता है। तीसरा, अगर फॉर एग्जाम्पल बात मान लेते हैं कि मिस्टर एक शेयर होल्डर थे, इन्होंने यहाँ से यहाँ पर इस कंपनी के पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे और उसने टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेट से 1 लाख रुपीज का लोन ले लिया, 1 लाख रुपीज का लोन ले लिया, तो प्लीज बताइए इसको डीम डिविडेंड मानेंगे 222E? ठीक है, डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इनके हाथों में। किसको टैक्स देना पड़ेगा? मिस्टर ए को। अब लेट से फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के बाद, लेट से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल के बाद, कंपनी एक्चुअली में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रही है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, मैं ऐसे समझाता हूं, मान लेते हैं एक जेड लिमिटेड, जेड प्राइवेट लिमिटेड एक क्लोजली हेल्ड कंपनी थी और इसका एक शेयर होल्डर था मिस्टर ए, जिसके पास लेट से 10% से ज्यादा ही शेयर्स थे और इसको हमने 1 लाख रुपीज का ऑलरेडी लोन दिया हुआ था, तो हमने सेक्शन 222E में टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, उस समय प्रॉफिट 1 लाख रुपीज से ज्यादा थे, हमने इनको लोन दे दिया था, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स हमने इनको 1 लाख रुपीज का डीम डिविडेंड मान लिया था, 222E टैक्सेबल हो गया था। लेट से ये हुआ था 1 अप्रैल 2023 को, हमने इसको डीम डिविडेंड मान लिया था। अब लेट से जेड प्राइवेट लिमिटेड इस ईयर एंड पर, लेट से इस ईयर एंड पर 31 मार्च 2024 में क्लोजिंग कर रही है और ईयर एंड पर ये उसकी बैलेंस शीट है और उसके पास प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, लेट से 6 लाख रुपीज के प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं और वो 6 लाख रुपीज अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, ये 6 लाख रुपीज अब एक्चुअल डिविडेंड वो देना चाहती है। और फॉर एग्जाम्पल उसके 4 शेयर होल्डर हैं, ए बी सी और डी, चारों इक्वल शेयर होल्डर हैं, ठीक है, सबके पास 25-25% है, तो ए के पास भी 10% से ज़्यादा थे, मान लेते 25% ही मान लेता हूँ इसको, इनके पास 25% ही शेयर्स थे, ठीक है, 10% मैंने इसलिए रखा था कि 10% वाले के ऊपर ही आप 222 अट्रैक्ट कर सकते हैं, कम से कम 10% तो होने ही चाहिए। ओके, अब ये पहले हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 साल पहले ये सिनारी हो चुका है कि हमने इनको 1 लाख रुपए का इन्होंने लोन लिया था द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट और वो हमने इनको डीम डिविडेंड मान लिया था। अब हमारे पास प्रॉफिट 6 लाख रुपीज के हैं, अब ये हम एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो हमारे पास 4 शेयर होल्डर हैं, ए बी सी और डी, और हम चारों को फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख रुपीज एक्चुअल दे रहे हैं फाइनल डिविडेंड। ये ईयर एंड हो गया, अब हम फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं। अब हम बी को 1.5 लाख दे देंगे, सी को 1.5 लाख देंगे, डी को 1.5 लाख दे देंगे, ठीक है, ये तो इनके लिए सीधा सीधा डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, डीम्ड नहीं है तो नॉर्मल डिविडेंड है, राइट, फाइनल डिविडेंड है। हम ए को क्या बोलेंगे? हम ए को बोलेंगे देखिए हम आपको 1.5 लाख रुपीज तो पैसे आपका डिविडेंड बनता है, बट उसमें से आपने जो 1 लाख रुपीज का लोन लिया है ना, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, उस 1 लाख रुपीज के लोन को एडजस्ट कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपीज के एडजस्ट करने के बाद हम आपको 50,000 का पैसे दे रहे हैं, राइट, क्योंकि इसका ऑलरेडी इसने लोन लिया हुआ था तो वो हमने एडजस्ट कर लिया। अब मेरा ये क्वेश्चन है, जब ये 6 लाख रुपीज का 1.5 1.5 1.5 1.5 हम चार लोगों को डिविडेंड दे रहे थे, बी को सी को डी को तो टैक्सेबल हो जाएगा, बी के हाथों में आपको पता है डिविडेंड टैक्सेबल होता है शेयर होल्डर के हाथों में, तो बी के लिए 1.5, सी के लिए 1.5 और डी के लिए तो 1.5 टैक्सेबल हो जाएगा, बट ए के लिए हम कैसे टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि हमने इसका जो लोन था वो एडजस्ट कर दिया इस डिविडेंड के अकॉर्डिंग, तो ए के लिए अब सिर्फ आप 50,000 ही टैक्सेबल करेंगे। आप ये नहीं कहेगा कि आप ए के ऊपर अगर आप 1.5 लगा देंगे फिर तो डबल यहाँ पर टैक्सेशन हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 लाख पहले से ही टैक्सेबल करा हुआ है और 1,50,000 आप दोबारा से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर ये इसका लोन यहां से एडजस्ट हो गया है और बाकी इसको रिमेनिंग डिविडेंड मिल रहा है, तो इसको सिर्फ 50,000 ही टैक्सेबल करिएगा, यानी कि इस केस में जब बी को सी को डी को पैसे मिलेंगे तो 1.5 1.5 1.5 टैक्सेबल होंगे, वो उनका एक्चुअल डिविडेंड है, और इसको सिर्फ 50,000 रुपीज क्योंकि इसका लोन एडजस्ट हो गया था। क्लियर है? ये बातें जो मैंने अभी डिस्कस करी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, ये वाली बातें, और फिर भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, पार्ट ऑफ योर कोर्स है, पार्ट ऑफ योर सिलेबस है। तो हम द फॉलोइंग पेमेंट लोन नॉट नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड, जैसे मैंने बताया कि अगर कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स में उसने आपको लोन दिया है तो वो हम डिविडेंड नहीं मानते हैं, या फिर ट्रेड एडवांस दिया है तो उसको भी हम डिविडेंड नहीं मानते हैं।
अगर डिविडेंड हमने पे किया है वो सेट ऑफ कर दिया है, वो हमने सेट ऑफ कर दिया, वो हमने एडजस्ट कर दिया, जितना भी आपका लोन था उससे एडजस्ट कर दिया है, तो फिर जितना एडजस्ट हो गया उसके बाद जो आपको डिविडेंड दिया जा रहा है सिर्फ उतना ही टैक्सेबल करेंगे, पूरा टैक्सेबल नहीं करेंगे, जो सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको करके बता दिया। क्लियर है? सो दिस वॉज IFOS, ये सारी बातें IFOS की थी। आई बिलीव आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने जितनी भी अमेंडमेंट्स थी हमारे May 2024 एग्जामिनेशंस के लिए, November 2024 एग्जामिनेशंस के लिए, मैंने वो भी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो कि होगा क्लबिंग का और फिर सेट ऑफ का। मैं देखता हूँ या तो फिर अलग अलग लेक्चर्स लूंगा या फिर मैं एक साथ ही उसकी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए। और हाँ, आपके लिए MCQs भी अवेलेबल हैं, प्लीज़ आप वेबसाइट पर जाकर MCQs भी ट्राई कर सकते हैं, सभी के लिए, फॉर माई ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग माई यूट्यूब स्टूडेंट्स, सबके लिए अवेलेबल है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।